ये क्या हो गया? ऐसा तो कभी हमने सोचा भी नहीं था। जो गुनाह हमने कभी किए ही नहीं, उनकी सजा हमें क्यों मिल रही है? हे भगवान, हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये किस कर्मों की सजा दे रहा तू हमें? कुंती माता, तुम तो इतिहास की कुंती माता हो, तुम्हारे तो पुत्र भी 6 होंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे सिर्फ 2 ही बेटे हैं, एक करण एक अर्जुन। वैसे मैं आपसे बात करने ही वाला था, क्योंकि आप लोगों के चेहरे मुझे मासूम लगते हैं। आप और आपका बेटा ये गुनाह कर ही नहीं सकते। हम यहाँ पर लोगों के चेहरे ही पढ़ते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमने गुनाह किया है, जब भी तो हम यहाँ बंद हैं। अगर हम बेगुनाह होते तो अपने घर होते। इस लोकअप में आधे से ज़्यादा लोग बेगुनाह ही आते हैं। जुर्म कोई करता है और भुगतता कोई है। मुझे लगता है तुमने कोई जुर्म नहीं किया, तुम्हारी पत्नी शायद खुद मरी हो, जांच हम कर ही रहे हैं। गुनाह सिर्फ इतना है, मैंने मेरे बेटे की शादी कर दी और हमारे घर में ऐसी बहू आई, उसने हमारी जिंदगी नरक बना दी। अरे इससे अच्छा तो मैं अपने बेटे की शादी ही ना करती। अरे मैंने अपने बेटे की शादी का पता नहीं क्या क्या सपना देखा था। हे बहू, तू झाड़ू लगाने रहन दे। अरे तू नई नवेली दुल्हन आई है, काम करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। हाँ, नई नवेली रहेगी हमेशा, ऐसी तो ना भाभी गैल करा, वतन इतनी चढ़ा दी, देखा उसका अंजाम, आज हमारी सबकी माँ बनी बैठी है वह। बेटा तू तो पागल ही रहोगा। हाँ, जो सही बात कह दे वो पागल। भैया आप भी भाभी को अभी से ही परेशान करने लगे। मैं हूँ तो काम करने के लिए, भाभी की तो पूरी जिंदगी इसी घर में काम करना है। अच्छा, तू तो ऐसा कह रही है अपनी भाभी दोहरा ही रहेगी, कुछ दिन बाद तेरा ब्याह हो जाओगा, छोड़ कर चली जाओगी, फिर याद भी ना करने की है। पापा देख लो भैया को, अब मैंने इतनी बुरी लग रही हूँ? ए लाली, ठीक ही तो कह रहा तेरा भैया, एक ना एक दिन तो ब्याह करवाएगा, तुझे दूसरे घर जाना ही है, और फिर वहाँ जाएगा तू उसी घर की हो जाएगी। पापा आप भी भैया जैसे हो गए। तुम दोनों बाप बेटे मेरी छोर तो बिल्कुल भी लाड ना करते। हाँ, मुझे तो मेरी माई लाड करे, और कोई ना करता मुझे इस घर में। बेटी तू एक काम करिए, अपनी माँ को अपनी ससुराल गैल ही ले दीजिए। हाँ ले जाऊंगी। अर्जुन बेटा, नौकरी तो ठीक चल रही तेरी? हाँ पिताजी, ठीक चल रही नौकरी। माँ नमस्ते, पिताजी नमस्ते, भैया जी नमस्ते। नमस्ते, आ गई तू? आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? नहीं भैया, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा ठीक है, बैग रख दे, हाथ मुंह धो के खाना खा ले, एक तो तन भूख लग रही होगी ना। ठीक है माँ। बेटा डहर में खाते भी बिक रहेगा। ठीक है पिताजी, मैं करिए। इस चोरा का हमने के बिगाड़ दिया, मार खाने देखा भी ना। आज तुम कहाँ रुके थे? दोपहर हो गई। वैसे तो तुम रोज रात नाइट की ड्यूटी करके आ जाते थे दिन में। क्या करता, दिन वाला बंदा नहीं आया, कंपनी में इतना ज्यादा काम है, बड़ी मुश्किल से आया हूँ बिलिंग करके। अब रात की ड्यूटी मत जाना, आराम करना वरना बीमार हो जाओगे। चलो देखता हूँ। भाभी अपने कमरे में नहीं है, फिर कहाँ गई? हो सकता है ऊपर चली गई हो भाभी के पास, जाके देखती हूँ। भाभी, भाभी, तू यहाँ क्या कर रही है? भाभी मैं तो बाथरूम करने के लिए उठी थी, सोचा कि आपको एक बार जाके देख लूं, आप जाग रही हो या सो रही हो। आपके रूम में जाके देखा तो आप वहाँ पे थी नहीं, इसलिए आपको ढूंढने चली आई। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी?
वैसे भाभी आप इतनी रात को यहाँ कर क्या रही थी? कुछ नहीं, वो तुम्हारे भाई फ्री थे थोड़े से ड्यूटी पे, तो मैंने ऐसे ही फोन कर लिया था बस। अच्छा ठीक है, चलो आप सोते हैं। तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है भाभी, आ जाना। बाबू आज तो बाल बाल बच गई, नहीं तो पकड़ी जाती। अरे बस तू इनका नहीं पागल बनाती रहे। अर्जुन तो रात की ड्यूटी कर रहा है, इन्हें क्या पता तू कहाँ बात कर रही। आज इसने अगर हमारी बात सुन ली होती ना, तो सारा पता निकाल लेती है। मैं कल मौका देख के तुझसे मिलने आऊंगा। ठीक है, पर ध्यान से आना। हाँ तू बेफिक्र रह, मैं ध्यान से ही अम्मा। अब तू एक काम कर, तू सो जा। ठीक है, बाय, गुड नाइट। हेलो। हेलो कीर्ति, मैं बस 5 मिनट में थारे गेट के सामने पहुंच रहा हूँ। मैं वहां कर होरन मजम्मा, तू समझ जाइए कि मैं हूँ, जल्दी बाहर आ जाइए। ठीक है। बेटा झाड़ू लगा रही है? जी माँ जी। अच्छा एक काम कर, तेरे पापा ही खाट के पास झाड़ू लगा दे, अभी वो टहलने जा रहे हैं। वो आएंगे तब तक तू झाड़ू लगा ले, उनके धूल मिट्टी से एलर्जी है। ठीक है माँ जी। आज इसे ऐसा के मिल गया, बड़ी खुश लगा है। चलो जो भी है, बहू बेटियां घर में हंसती खेलती अच्छी लगा है। मेरी जान कहाँ रह गया तू? आ जल्दी बैठ, वहाँ चल रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही, कोई देख लेगा, चुपचाप चले जाओ। अरे मोबाइल में घुमा कर रहा, बैठ जल्दी। जाओ भी, जाओ। भाभी बाहर कौन था ये? कोई भी तो नहीं था। अभी जो आपके पास से गया है, या तो मेरे जीवन में ग्रहण बन के बैठ गई, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। भाभी क्या हो गया, किस सोच में पड़ गई? किस सोच में ना पड़ी, तू बता, तू हर वक्त मेरी पहरेदारी में ही लगी रहे। भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं नहा रही थी तो मैंने सुना कि आप किसी से बात कर रही थी। जब मैं बाहर निकल के आई तो वो आपके पास से बाइक लेके जा रहा था, और आप तो यहाँ किसी को गाँव में जानती भी ना हो, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। वो तो अर्जुन के बारे में पूछ रहा था। चलो ठीक है। पता नहीं मेरे कुछ पूछते ही भाभी घबरा सी जावे। इससे तो बच के रहना पड़ेगा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। मारे तो कर्म फोड़ के चले गए थारे भैया। ऐसी बहू मारी छाती पे धर दी, ना काम जानती ना कुछ जानती, ना कोई संस्कार उसमें। दहेज के चक्कर में ना पड़ते तो किसी गरीब घर की लड़की ले आते, तुम्हारा घर बस जाता। तुम सही कह रही हो भाभी, भैया ना दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी खराब कर ली। देखी चाहिए इसके साथ में मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, मुझे तो डर है कोई अनहोनी ना हो जा। ठीक कह रही हो भाभी, भैया ना दहेज के लालच में आकर इतनी बड़ी गलती कर दी कि पूरे कुनबे की दुर्गति होगी। बेटा ड्यूटी जा रहा है तो? हाँ पिताजी, चल दिया। पूरा रात तो इतना लेट आया था, तू अब फिर चल दिया। क्या करें पिताजी, यह प्राइवेट नौकरी ऐसी है, अगर काम ना करेंगे तो कौन दे रहा तनख्वाह। कीर्ति, अरे रोटी बना दियो तो टिफिन पैक कर दे मेरा, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ। मन्ने तुम्हें कितनी बार बता दी मेरी तबीयत खराब है, शीतल बना देगी। शीतल कॉलेज जा रही है, फिर वहां भी लेट हो जाओगी। छुट्टी कर लेगी, एक दिन में कहीं ना वो अफसर बन जाएगी।
या बने अफसर है ना बने, तू मारे ऊपर अफसर जरूर बन रही है। बेटा ये सारी रात फोन पे लगी रहो है, बेरो ने इस फोन में के देखा है, किससे बात करे है, और जब तेरा ड्यूटी तान का टाइम होवे ना, जब यह फोन न छोड़ के सो जा, इन बड़ी नींद आवे। इसका फोन फोड़ना पड़ेगा मुझे। इस बुढ़िया के चैन नहीं आने का जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी, या मुझे खाक के मानेगी। फालतू तो बोलना मत ना, ऊंची आवाज में बात करनी जरूरत ना मेरी माता है। ऊंची आवाज तो मैं तुम्हें अपनी एक मिनट में दिखा दूंगी, जब मेरा बाप आवेगा। अभी करूं अपने बाप को फोन? हाँ ठीक कह रही तू, अपने बाप को फोन कर, वो भी तो आकर देखे उसकी छोरी कितना काम करे। बेटा तुम क्यों घर में कलेश करो हो, छोड़ ना, रोटी मैं बना दूंगी। माँ तू क्यों दुखी हो, मैं बाहर गई कुछ खा लूंगा, परेशान मत। इसमें परेशान की बात है बेटा? माँ फिर हम लेट भी तो हो जाएंगे। देख तू तो रहने दे बुढ़िया, तुझे बना के खिलानी होती ना पहले ही खिला देती, कम से कम यू बवाल तो ना होता, पर तू तो इस शाम की बाट में थी। ए बेटी क्यों बात का बवंडर बनावे, ऐसी तो छोटी मोटी बात घर में हो ही जावे, इसमें बाप भैया को बुलाने कौन सी बात है। बेटा मैं समझाऊ अर्जुन को, उतर कुछ भी ना कहने का। उसने जहर नहीं खाया आपको डराने के मारे, कुछ ऐसी दवाई खा ली जैसे आप उसे कुछ नहीं कह पाओ इसीलिए। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है उसके कुछ नहीं हुआ, यदि उसके कुछ हो जाता तो उसका बाप हमें माँ बेटों को तो जेल ही भिजवा देता। आप सही कह रहे हो, आजकल ये चल रहा है छोटी छोटी बातें में जहर खा लेते हैं, आजकल की कुछ बहुएँ ऐसी कर लेती हैं ताकि आगे से आप उसे कुछ कह ना सको। जो औरतें ऐसी होती हैं ना घर का नाश ही कर देती हैं। काया कीर्ति, ए सुनिया नहीं क्या, मैं तेरे से पूछ रहा कीर्ति कहाँ है। आ जाओ चौधरी साहब, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, पहले तसल्ली से बैठो जब बात करेंगे। हम यहाँ बैठने ना आए, अपनी बहन को ले जाना आए। बेटा तू यू क्या कह रहा, अब तो कीर्ति का घर यू ही है, यहीं रहेगी। शर्म है थोड़ी बहुत, कीर्ति का घर छोड़ रखा तुमने, यू घर होता उसका जहर खत्ती भाया आज कर रहे। अजी चौधरी साहब तुम यूँ कैसी बात कर रहे हो। हाँ हम कैसी बात कर रहे हैं, बना रखी होगी ना सर उन्हें प्लान, मार क्या करेंगे पता उनके गुरु। यू के कह रहे हो तुम, हम ठीक कह रहे, इतनी बड़ी बात होगी और तुमने हमें बताई भी ना, वो तो बलाओ लाजो बहन का जो हमें सारी बता दी। अच्छा यू सारा बीज उसका बोया हुआ। अजी तुम पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो फैसला लेना ले लियो, तसल्ली दे बैठो, चाय पानी पियो। बेटा शीतल पानी ले अपने मौसा को। तेरा पानी पीना रे, हम अपनी छोरी को लेना रे, उसे बता कहाँ है और बात बता रहा है। हमने पीने पानी वानी ले जाए सर। ले जा बतेरा पी लिया हमने पानी। कोई बात ना बेटी, जा इनके लिए चाय बना। बात तू नल जावे, जोन सी बात है वह बता, कीर्ति बता कहाँ है। कीर्ति घर में ही है, तसल्ली दो। कीर्ति बेटा। पिताजी कीर्ति बेटा तू इतने गैर मान गई थी हमें, इतना बड़ा काम कर दिया हमें बताया नहीं थे। और मैं क्या करती पिताजी, मुझे इन्होंने इतना दुखी कर रखा था। बहन एक बार बताती तो सही हमें।
कीर्ति बेटा चुप हो जा, इतनी बड़ी घटना होगी पर ते भी नहीं बताया मैं कुछ, ना इन्होंने कुछ बताया। वो तो शुक्र है उस छोरी का लज्जो को उन्हें बता दी सारी बात। इसमें इतनी बड़ी बात तो थी ना, उसने नशे की गोली खाके हमारा ड्रामा काट डाल, रोटी बनाने की तो कह दी इसने। बड़ी बात नहीं, अगर मेरी भांड को कुछ हो जाता ना पूरी जिंदगी जेल की चक्की बिछवा देता। मेरे ऊपर दोष मत दिखावे, ब्याह के बाद कैसा रह छोरी से अपने घर में सिखाते। ठीक है सुन ली तेरी, जी मेरी छोरी पर रहना नहीं आता ना, हम ले ही जा रहे अपने। हाँ साथ ले जाओ इसे, कल को इसने कोई दोबारा ऐसी घटना कर दी तो उसका अंजाम कौन भुगतेगा, हमारा पूरा परिवार। अर्जुन तू चुप खड़ा रह, बड़े इनको बात करने दे। चौधरी साहब इसकी ओर से मैं माफी चाहूंगा, और यू कीर्ति का घर है, कीर्ति यहीं रहेगी, कहां जाएगी कीर्ति? अच्छा तू घर बता रहा, इसकी सुनी क्या कह रहा? अजी चौधरी साहब इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, कीर्ति को यहीं रहने दो, जो तमी ऐसी बात करोगे तो इनका घर कैसे बसेगा। ये हाथ जोड़ने के ड्रामे तो दो छोड़, हम अपनी शर्म की मारी छोड़ के जा रहे छोरी को, और आगे तो ऐसी हरकत होगी ना तो फिर मारे तो बुरा कोई नहीं। ठीक है चौधरी साहब हम ध्यान रखें। पिताजी मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कीर्ति बेटा तू मेरे कहे थे मान जा, और आगे तो ऐसी बात कर दी ना कोई, तू बस एक बार फोन कर दिए फोन, बिजली यहीं पड़ेगी। और हाँ बहन अपना आपको नुकसान पता नहीं, जरूरत अभी हम जिंदा है। ठीक है भैया। कीर्ति बेटा मुंह दो, रोटी खा, आराम कर, हम भी चले। ठीक है पिताजी। राजवीर सिंह एक बात बता रहे हो, कान खोल के सुन लिए और इसे भी समझा लिए, आगे तो ऐसी कोई हरकत होगी ना तो बचाव कुछ नहीं तेरा। ठीक है जी हम पूरा पूरा ध्यान रखें। हाँ पूरा ही ध्यान रखियो, ध्यान रखोगे तो बचाव है ना, कोई बचाव नहीं बता रहा हूँ। अरे अर्जुन निमट गया तेरा खेत क्यार का काम? मेरा खेत क्यार का काम तो निमट गया, पर मुझे और भी तो बहुत सारे काम है, पिताजी की दवाई लानी, मुझे तो पता है लाजो भाभी करण भैया खेत तो खेत किसी भी काम को नहीं जान देती, सारे काम मुझे ही करने पड़े हैं। अरे यार काम तो करना चाहिए, काम करने से कौन सा कुछ धिस गया है, है? चल एक काम कर, अब हमें शाम को ड्यूटी निकलना, चल मेरे साथ चल। चल शीतल आज कॉलेज तो आई ना, पता नहीं क्यों लेट हो गई, और ही दिनी तो जल्दी आ जाया कर दी। अरे तू की चिंता कर रही है, आ जाओगी उसकी बस निकट गई होगी, कदी कदी निकट जाया करे बस उसके। माँ नमस्ते, पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, इतनी लेट कैसे होगी? पापा आज मैं लेट हो गई थी तो मेरी बस निकल गई थी, फिर मैं वहीं खड़ी थी, उधर से करण भैया आ रहे थे तो मैं उनके साथ बैठ के आ गई। चलो ठीक करा। तू इसके गल बैठ के क्यों आई? वैसे तो ये लोग लुगाई हमसे बात ना करें, हमें देखकर फूके ये। हाँ हम तो दुश्मन है तुम्हारे, हम तो तुम्हें देखकर राजी नहीं रहते। तू वही कुंती है ना जिसने अपना बेटा टोकरी में डाल गंगा जी में बहा दिया, ठीक उसी तरह तेने अपने से मुझे अलग कर दिया। बेटा यू बात तो तू गलत कह रहा, हमने थोड़े करा था तू अलग, तू तो अपना ब्याह हो तो हमें छोड़ कर नारा होगा था। क्यों ना होते हम तुमसे अलग, हमने क्या ठेका उठा रखा तुम्हारे सारी जिंदगी का, सेवा तो तुम्हारा छोटा बेटा करेगा जो तुम्हारे पास रहवा है। हमें तो फेंक दिया तुमने अटरिया पे सर्दी गर्मी मरने के लिए, और खुद कब्जा करे बैठी हो इस घर पे। मैं तो इसी घर को लूंगा, मैं नहीं ले रहा घेर वाली जगह को, घेर वाली जगह तुम और तुम्हारा बेटा ले लो। बेटा देख यू घर तो तुझे मिले ना, यू घर तो अर्जुन का है। क्यों होता है ये घर अर्जुन का? ये तुम्हारा बेटा ना है क्या? इसका हक नहीं है कि इस घर पे? क्या इसे बुढ़िया पीछे से लेके आई थी क्या? भाभी आप ज्यादा बोल रही हो, आपका बोलने का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। क्यों ना है मेरा मैटर, इससे बोलना तो आता ही नहीं है, इतना भी हूँ मैंने सिखाया, वरना तुम लोग सारे जने मिलके इसकी बोलती बंद कर देते थे। यू काम तो बहुत बढ़िया करा जो इसे बोलना सिखा दिया, जब भी तो हमें अनाप शनाप बकल लग गया। हमने तो हमारे बेटे को कुछ भी नहीं सिखाया, जो कुछ सिखाया इसने सिखाया है, इतना बड़ा भी इसने कराया है। मैं बार बार नहीं कहूंगा, मैं इसी घर को लूंगा। मैं भी तो बार बार तुझे यू कह रहा हूँ, यू घर तो तुझे ना मिला, तेरा पहली छांट छोटे की हुई ग्रह, उसका हक अधिकार है इस पे। मेरी क्यों नहीं है, मैं क्या तुम्हारी नाजायज औलाद हूँ?
तुझे दिक्कत क्या आ रही है घेर वाली जगह में रहने में? जब मैं तुझे हर बार यू कह रहा हूँ तुझे वहां मैं घर बना के दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दो बीघे खेत बेचना पड़ो। कौन सा खेत? मेरा हिस्सा अलग करो, अपने प्यारे बेटे का हिस्सा बेचो जब उसका घर बनाना। बेटा घर तो सबके हिस्से में ही बनेगा, यू घर भी तो सबके हिस्से में ही बना था। तुम लोग बहुत चालबाज बन रहे हो, हमारा हिस्सा ही बेचने फिर रहे हो। हम अपना हिस्सा नहीं बिकने देंगे, हमारा हिस्सा हमारे नाम में करो। मैं तुम्हारी चालाकी सफल नहीं होने दूंगा। भैया हमने तुम्हारे साथ कौन सी चालबाजी कर दी? पापा ने कह दिया और बिक गए खेत। तुम तो खामे खा लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। सिर्फ हिस्सा ना, घर भी चाहिए। हाँ हो जाएगा, खामे खा की लड़ाई कर रखी है। तुम अपने कमरे में जाओ, भाभी भैया को ले जाओ, खामे खा का ड्रामा बना रखा। या बहू तो हमेशा छोरे का नाम फूक मारती रहे, बेरो नहीं मारते के चावे। मां जान देना तेरे पे भी चुपना रह जाता। आ चलो ऊपर। हे भगवान, भैया आप कितने लापरवाह हो, आपने ये अंगूठी बाथरूम में ही छोड़ दी थी। मैं नहाती बार भूल गया था, फिर ठाणी ध्यान ना रही, और फिर इसमें के बात होगी, गुट्ठी तो घर में ही थी। भैया हुआ तो कुछ ना, अगर इधर उधर गिर जाती तो फिर पता है आपको ये कितनी महंगी बनती है। महंगी है तो के हो गया, तेरी नजर है के इस पे? ये कह रही तू, ये समझाने वाली बात ही तो कर रही है। लदिए ले धरती से भीतर। शीतल बहन तो इसकी बात तो बुरा मत मानने का, या तो ऐसी करो जा, ठीक है? ठीक है भैया, आप कोई टेंशन मत लो, आप आराम से ड्यूटी जाओ। ठीक। लो जी चाय ले। ठीक सोता मैं? पता ना इस घर में सारे बहरे हो गए दिखे। क्या हो गया बेटी? तुमसे कितनी बार कह रखी है इस कोढ़िया के कपड़े इसमें मत ना डाला करो। बेटी इनके कपड़े ऐसे नीचे मत डाल, आखिर ये तेरे ससुर हैं। अजी मेरा ना लगता ये कुछ भी। ठीक है बेटा, ये तेरे कुछ ना लग गए, लेके बुढ़ापा तुझे भी आओगा, तू भी बूढ़ी होगी। अरे हो जान दो मुझे बुढ़ी, आ जान दो मेरे बुढ़ापा, पर आज तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, इस मशीन में इस कोड़ी के कपड़े गिर नहीं जाए। ठीक है बेटी, इनके कपड़े तो मैं हाथ से धो दूंगी। अजी मेरे तो तू कैसे भी दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। खरंजे काम तो हो ही गया। हाँ सोचेंगे उसे भी। राम राम। राम राम। अरे यू क्या हुआ इसके? कुछ ना जी, इसके कंपनी में जरा सी चोट लग गई। तू जरा सी बता रहा है इसे? चोट तो बहुत लग रही है। दवाई वाई ली भैया? नहीं ली। हाँ चाचा दवाई तो ले ली। अब तू एक काम कर, घर जा और आराम कर ले, और गोली ले लिए। इतना काम भी ना करे करते, ध्यान भी दे अपना। ठीक है चाचा। बेटा ध्यान रखेगा। ठीक है ठीक है। राम राम। राम राम। इतना काम ठीक ना होता बेटा। राम राम। राम राम। तो अपने माँ बाप को देखे या अपनी बहू को देखे? प्रधान जी इसका तो चोट मुझे लगा घर के कलेश की वजह से लगी है। हाँ भैया
लल्ली तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरा अर्जुनगढ़ कैसे कैसे पढ़ा रहा तुझे? पिताजी आप चिंता मत करो, मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है। अर्जुन बेटा, ये चोट कैसे लग गई? कुछ ना चाची, कंपनी में से जरा सी चोट लग गई। तू इसे जरा सी चोट बता रहा है? अरे इसके सर में और हाथ में पट्टी बंधी हुई है। बेटा कैसे लगी चोट? भैया आप बोलते क्यों नहीं हो, आपको इतनी चोट कैसे लगी? कुछ ना, वहाँ कंपनी में देख रेख कर रहा था, वहाँ पैर फिसल गया, चोट लग गई। मैं बताता हूँ, तुम्हारे घर में रात दिन जो इतना झगड़ा होता है ना, ये सब उसी का नतीजा है। कंपनी में काम करते समय इसके दिमाग में लड़ाई झगड़े का मंजर घूमने लगता है, बस इसी कलेश की वजह से ये चोट खा बैठा। क्या करे अरुण बेटा, हमारे घर का कलेश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। भाभी, घर में इतना कलेश ना ठीक ना होता, ये रात दिन का कलेश ना घर का नाश ले बैठता है। मरा तो ना यू मेरे कलेश थे, मैं तो तब समझती जब यू मर जाता। ऐसा आदमी मरे ना करता है। भाभी कम से कम इस टाइम तो ऐसी बात मत करो, आपको दिख नहीं ना भैया कितनी चोट लगी है? आपको अब भी सबर नहीं आ रहा? आया तेरा भैया। अरे दीदी रुको तो, केटी तू ठीक है? अरे दीदी तुम्हें तो पता ही है, इनके बीच रह के कोई ठीक रह सके? कह तो तू सही रही है, और क्या मैं इनसे यूं ही न्यारी हुई थी क्या? दीदी आप तो न्यारी हो गई, मैं कैसे न्यारी हूँ? मैं तो न्यारी भी ना हो सकती। क्यों ना हो सकती? तू अलग, इस बुड्ढे को, इस बुढ़िया को, उस महारानी को अलग फेंक दे और अर्जुन को लेके अलग हो जा। अरे दीदी अर्जुन अलग तो ना होने का। मेरा ही वाला कौन सा अलग होने को तैयार था, वो तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया था। दीदी ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जो भाई साहब आपकी उंगलियों पर नाचे? बहुत राज की बात है, ऐसे खुले में नहीं बता सकती, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी दिन अकेली मिलेगी ना तब बताऊंगी। के पता ये कोई ऐसी बात बता देवे जिससे अर्जुन अलग होने को तैयार हो जा। अर्जुन तो ड्यूटी पर रहेगा, मेरी और रमेश की बात भी अच्छे से हो जाया करेगी, दोनों आपस में आराम से मिल लिया करेंगे। अब तो ये तीनों पहरेदारों की तरह मेरे ऊपर नजर गड़ाए बैठे रहे। किस सोच में पड़ गई? कुछ ना सोच रही दीदी, मैं कह रही थी मम्मी और शीतल एक दो दिन के लिए बुआ घर गई हुई है, तुम अपना काम निपटा के मेरे धोरे आ जाइयो, क्या पता आपके कारण मेरा ही भला हो जाए। मैं तो तेरी भले की सोचू, तभी तो बता दिए तेरे पापा को तेरे बारे में, अगर तू मर भी जाती ना तभी ये लोग नहीं बताते। कीर्ति बेटा एक गिलास पानी ला दे, मुझे दवाई लेनी है। इस बुड्ढे को भी चैन ना है, इसे पक्का पता चल गई होगी कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इसलिए काम बता रहा। मुझे तो पता है इनकी आदत, चल जा तू पानी दे दे और मैं सारा काम निपटा कर दोपहर में आती हूँ। ठीक है दीदी। ला बेटा मेरा दवाई का टाइम हो रहा। एक दिन दवाई ना लेगा तो कहीं ना मर रहा तू, तन्ने भी मेरा जन्म दुखी कर रखा, दुनिया के बुढ़े मरण लग रहे, तो पता ना तुझे कद मौत आएगी। बेटी मैं तो भगवान से दुआ करूं कि तेरी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। मेरे आगे ज्यादा खप्पर तो भरे मत ना, मैं तेरे सारे फंडे जानू, तू क्या कर सके। देख रहे हो तुम उस महारानी को, सुबह से दोपहर हो लिया, अभी तक ना किसी को चाय पानी दिया है, नहीं कुछ घर का काम किया है, बस उठते ही फोन कर लग जावे और कुछ बोले तो मरने की धमकी देवे। अरे मुझे तो रात दिन इस बात की चिंता सताओ जा, अगर हमारे छोरे की जिंदगी कैसे कटेगी इस बहू की गैल, ये छोरा तो जीतते जी मार दिया। माँ नमस्ते। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ माँ। माँ भाभी को कुछ हो गया क्या जो घर का सारा काम अभी तक ऐसे ही पड़ा है?
तेरी भाभी के बेटा कुछ ना होया, वो तो उठते ही फोन कर लग जावे, पता नहीं उसकी कौन सी बिजनेस अटक रही है, और उसको काम की बोलो तो वो मरने की धमकी दे। कोई बात ना माँ, आप बस घर में शांति बनाए रखा करो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। सुबह से तो तू बेटा कॉलेज में गई हुई है, आ रही थकी आई है, आते ही तू काम में लग जाएगी क्या? कोई बात ना माँ, एक घंटे में सारा काम करके फिर आराम कर लूंगी। ठीक है बेटी, तू ना मानती तो पहले कुछ खा पी ले फिर काम कर लिए। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो। भाभी जरा अपनी जूती साइड में कर लो, पोछा लगा रही हूँ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन में काम कर रही हूँ? भाभी आप तो सुबह उठते ही फोन में लग जाओ, ऐसा आपका कौन सा बिजनेस चल रहा है? ज्यादा ना बोल रही तू, आज ही बन लेगी सारी कमेरी। मेरी सुसरी पे काम धाम तो होता ना, आई है जुबान लड़ाने। हरी बहू शर्म नहीं आती, खुद तो कुछ करे ना, मेरी छोरी करे उसे करे ना देवे, और तू इस फोन के अंदर घुसी रहवे 24 घंटा, इसा के देखा है तू? तुझे दिखना रहा के बुढ़िया, इस फोन में तेरी छोरी नाच रही है, देख कितना अच्छा नाच रही है। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, अब तो ये झेलनी पड़ेगी, इसके ना किसी की भी शर्म। चुप हो जा बेटी, देखिए अर्जुन का आने का टाइम हो रहा, यहाँ खामो खा कलेश हो जाएगा, उसे मत बताइए, चुप हो जा। बहु कुछ तो थोड़ी बहुत लिहाज शर्म कर ले, तन्ना तो लिहाज शर्म बिल्कुल ही कहीं तार के रख दी। मैं क्या करूँ शर्म करके, शर्म तो तुम दोनों माँ बेटी के ही भतेरी लटक रही है, देख कितनी लटक रही है। तेरे तो मुंह लगना ही बेकार है। क्यों रो रही है शीतल? चुप हो जा, के बात होगी माँ, या तो बताना रही के बात है। बेटे जिसकी किस्मत में रोना लिखा हो ना, वो जिंदगी भर रोवे। चुप हो जा शीतल, चुप हो जा। मैं समझ गया, जरूर इस कमीने ने कुछ ना कुछ कही होगी। फालतू मत ना बोल ले, मैं तुझे कुछ कहना रही हूँ। बेटे इस बहू ने लेके तू न्यारा हो जा, इससे तो हम परेशान हो लिए, ये कभी किसी को कुछ कहवे, कभी किसी को कुछ कहवे, इसने तो हमारा जीवन दुखी कर दिया। शीतल के कही इसने? ये के बताओगी, इससे पूछ। तू ही बता देना बुढ़िया, अपने इस खसम पर मरवा दे मुझे। अच्छा बेशरम, ये मेरी माँ खसम बता रही है, मरवा दे अपने इस खसम पर मुझे, आजा मार दे मुझे, मार। बेटा छोड़ इसे, जान तो मार दूंगा मैं। हाँ मार दे, मरता भी नहीं हूँ ना पुत्ता, सत्यानाशी, मर जाए इसकी लाश आए किसी दिन घर पे। माँ मैं तो जान तो मार दूंगा, पूरे दिन शेर नहीं बनी घूमे इस घर में। शेर की बेटी हूँ मैं, तुम्हें सब खा जाऊंगी। छोड़ ना बेटा, कुछ कहने का आजकल किसी को धर्म नहीं है। मैं इसकी जिंदगी खराब कर दूंगी। चुप हो जा कलमुई, क्यों इस घर का नाश करने पतुली है? नाश तो तूने कर रखा है बुढ़िया, तू ही बुढ़ापे में नए नए खोदे खोद रही है। मन्ने भी तेरा घाघरा जेल की खूटी पर न टंगवाया ना, तो मेरा भी नाम कीर्ति नहीं, अभी बुलाऊं अपने बाप और भाई को। आप बुला ले जा, उन्हें भी देखो क्या करेंगे मेरा। इनकी लड़ाई देख के तो मुझे बहुत मजा आवे।
कभी मेरी भी होती थी ऐसी लड़ाई इनसे। ज्यादा मजा मत ना ले, मजा कभी कभी उल्टा ही पड़ जावे। अब खड़ी हो, रोटी बना ले। ए, कौन सा वो जयद्रथ जिसने मेरी चोरी पर उठाया? ये बात होगी, बात तो सुनो। बात ही बताओ। हाँ बात सुन ली हमने तेरी। ए, ए, छोड़ो मेरे बेटे को। ना भले मन तो छोड़ दो, क्यों हद कर रहे हो, क्यों मार रहे हो मेरे बेटा को? कीर्ति झोला ले जाके अपना, चल तबली। ना छोड़ दो इसे। ए, तू थम जा, बैठे रहो। तू अपनी जगह बैठ, आए चले जाओ जाओ, तू हद कर दी तमाम। के बाद मेरी बहन के बारे में एक सपने में मैं सोचना, वरना तेरी सोच को एक सपना बना दूंगा। चला जा जा, ऐसे खोटिया नंग रिश्तेदार भगवान किसी को ना दे। चल बेटा खड़ा हो जा। महारे घर का ऐसे बिहाते तो महारा छोरा कुआरा ही बैठ गया था। आराम कर लो, तुम बीमार हो। अच्छे खोटे रिश्तेदार मिले। हाँ कीर्ति। हेलो रमेश, इस टाइम फोन किया, सब ठीक ठाक तो है? सब ठीक नहीं बल्कि बहुत बढ़िया है। अरे क्या हो गया, इतनी खुश क्यों हो रही तू? खुशी की तो बात है, मैं अर्जुन को छोड़ के अपने घर आ गई हूँ, अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पर यार तू 2-3 दिन बाद वापस चली जाएगी, फिर क्या होगा? अब ना जाने क्यों मैं वापस? यार पर क्यों, ऐसा क्या हो गया? अर्जुन ने मेरे पे हाथ उठाया, उन्होंने फोन करके अपने पापा और भाई को बुला लिया, उन्होंने उसकी खूब पिटाई करी और मुझे घर ले आए। अच्छा जी, ये बात है, जब तू इतनी खुश है, पर वे थे भी इसी लायक। और क्या। अच्छा सुनो, जल्दी हम मिलते हैं अपने ठिकाने पर। ठीक है बाबू, ओके बाय बाय, लव यू। पिताजी राम राम। मां राम राम राम। आओ भैया बैठो। ठीक है, सीतल आराम है? पिताजी आराम है। तो पिताजी अब समय आ गया है शीतल को अप्सरा कोर्स कराने का, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पैसों का इंतजाम कैसे करूं। इनके थारी दवाइयों का खर्चा, इनके घर का खर्चा मैं कैसे करूं? किस्मत ही साथ में दे रही, भगवान ने मुझे बीमार करके खाट पर गिर दिया। मैं ठीक होता तो मैं भी कुछ कमाता। बेटा मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है अफसर बनने के लिए, तू इसके अरमानों पे पानी मत फिरने देना। हाँ माँ तू ठीक कह रही है, मैं इसके अरमानों को और इसकी मेहनत को बिल्कुल खराब नहीं होने देने का। मैं और ज्यादा मेहनत करूँगा और इसे पढ़ूंगा। भाभी वो रोटी तो टाइम से दे रही है? हाँ भैया रोटी टाइम से दे रही है। हमारे गांव में तो एक ऐसी अनहोनी होगी, अब कुंती के लड़के को उसके ससुराल वाले आके पीट गए। हाँ सुना तो मैंने भी है, अर्जुन की जो बहू है ना उसके बाप ने बहुत सर चढ़ा रखी है। अर्जुन बहुत सीधा लड़का है, मैंने तो कभी किसी से लड़ता झगड़ता देखा ना। भाभी तुम सही कह रही हो, अर्जुन में ना तो किसी तरह का कोई ऐब है, बहुत सीधा लौंडा है और बड़ों की तो बहुत इज्जत करता है, ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छे लोगों की कदर कहाँ है आजकल, तो अच्छे लोगों को पागल मानना है। आजकल का जमाना भी खराब आ गया भाभी, और सरकार ने भी औरतों का कानून सख्त कर रखा और औरत इसी बात का फायदा उठा रही। ठीक कह रहे हो भाई साहब, ऐसी औरतों की वजह से भी ठीक औरतों का नाम बदनाम हो रहा है। अच्छा भाभी मैं चलूं, खरंजे की नपाई पाई भी करवानी है। ठीक भाभी नमस्ते। नमस्ते। भैया क्या ढूंढ रहे हो आप?
क्या खो गया है आपका? मैं अंगूठी ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे वाले अंगूठी रह गई, पता नहीं कहाँ है। भैया शायद आप बेकार में ढूंढने की मेहनत कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो पक्का वो अंगूठी भाभी अपने साथ ले गई होगी, और वो दी भी तो उन्होंने दी आपको शादी में। तो ठीक कह रही है, शायद उसे साथ ही ले गई होगी। हाँ भैया, चलो भैया अब खाना खाते हैं। हाँ तो चल मैं आ रहा हूँ। और आप टेंशन मत लो। चल मैं आ रहा हूँ। टेंशन की तो कहीं बताऊं मेरी बहन, मैं तुझे सच में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कीर्ति का गलत व्यवहार और झेलना हमें पड़ रहा, गांव समाज में लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बताऊं तुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा सही से लगा कपड़ा? हाँ। हो गया प्रधान जी घर पे? अरे आजा राजवीर आजा, यही हूँ भैया आजा। प्रधान जी राम राम। राम राम राम, आ बैठ। और राजवीर तबीयत तो ठीक है? अरे बेटा जब पानी तो ले गया, तबीयत कैसी है? तबीयत तबीयत के ठीक रहेगी, घर में रोज तो नए नए कलेश रहे, इससे तो भगवान मुझे ठाई ले। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये तो घर घर की कहानी है। अच्छा ये बताओ आना कैसे हुआ? आना के हुआ प्रधान जी, वो अर्जुन की बहू अपने घर आ जा रही है, देख लियो उसे लिवा लियो, जैसे भी हो इस मामले को सुलझ लो। मैं करूंगा उस गांव के प्रधान से बात, वो पूरी कोशिश करेगा बहू को भिजवाने की। जो तुम बहू को लिवा लियो तो थारा बहुत एहसान होगा। इसमें एहसान की क्या बात, गांव बस्ती में तो फैसले करने ही पड़े हैं। अच्छा प्रधान जी मैं तो चलूं, जैसे भी हो मुझे बता दियो। ठीक है राजवीर, मैं जैसा भी होगा तुझे बता दूंगा। अच्छा राम राम। राम राम। राजवीर की गैल भी हो बहुत बुरा रहा, एक तो बेचारा वैसे ही बीमार रहे और ऊपर से बहू ने भी बड़ा दुखी कर दिया इसे। करेगा भगवान इसकी भी भली। शर्म तो थारे बहुत है, पहले तो तुमने मेरे संग कर दिया, अब तुम उसके साथ कर रहे हो, और इसी चक्कर में तुमसे नियारी हुई थी, अब तुम्हारा हिसाब किताब तो वही बांधेगी आके। तुम दोनों का हमने के बिगाड़ दिया? और के बिगाड़ोगी, मार पीट के तो तुमने उसे भगा दिया, अब तुम मेरे पीछे पड़ गई। भाभी ये तो लड़ने वाली कोई बात ना थी। तू तो चुपी हो जा, तुझे तो अपनी माँ की करतूत दिखाई नहीं देती। मैं तेरे से बहस नहीं करती, माँ तू ही चुप हो जा, मैं बाद में झाड़ू लगा दूंगी। के गदर समाचार रखा यू? मैंने गदर नहीं मचा रखा, थारी माँ ने एक तो निकाल दी, अब मेरे पीछे पड़गी। इनकी तो आदत खराब है, इन्होंने तो कोई ना कोई चाहिए लड़ने का, चल तू भीतर। अरे भगवान तू ही चुप हो जाए कर, क्यों छेड़े है उन्हें, तू क्यों मारा बुढ़ापा खराब करना चाह रही? अरे बुढ़ापा तो मारा वैसे ही खराब हो लिया। राजवीर रह गए? आ जाओ प्रधान जी आ जाओ, यहीं हूँ मैं तो, मैं कहाँ जाऊँगा। राजवीर मेरी उस गांव के प्रधान से बात हुई। अच्छा चाचा राम राम। राम राम बेटा, अच्छा हुआ तू भी आ गया, तेरे सामने बात होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। की बात होगी? अरे वही कीर्ति को लाने की। कीर्ति को लाने की? मैं लाने का उसे यहाँ ना, उसके लक्षण इस घर में आने के। बेटा तू अभी बालक है और तेरे में ज्ञान कम है, और हम तेरे से बड़े, हम में ज्ञान ज्यादा है। चाचा एक बात तो बता, बहुत बढ़िया करेगा हमारी गैलवा, देखा था ना सारे ड्रामे उसके। बेटा मैंने सब देख रखा है, सारा जमाना देख रखा है,
यार घर में ऊंच नीच होती रहे। आजकल का टाइम बहुत खराब चल रहा है, जरा सी देर में कोर्ट कचहरी होगी तो फिरते फिरोगे। प्रधान जी तुम ठीक कह रहे हो। देख अर्जुन, तेरी बहन अभी कुंवारी है, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए ना, उसका कोई रिश्ता भी ना लेने का। बेटा तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे देख, इज्जत वालों के मरना हो, नंग का क्या मरना, उस वक्त किसी चीज की परवाह नहीं होती। तो चाचा थोड़ा बहुत तो उन्हें भी देखना चाहिए ना, बताओ। हाँ जी, तो प्रधान जी क्या क्या फिर उस गांव के प्रधान ने? भाई उसने कीर्ति के घर वालों से बात करी है, उनकी एक शर्त है, अगर अर्जुन कीर्ति को लेके अलग रहे तो वो आने को तैयार है। मैं ना मानता कोई भी शर्त। देख बेटा अर्जुन, बेटे अगर कीर्ति तुझे लेके अलग रहना चाह रही है तो रह ले, इसमें दिक्कत के है? फिर भी हम तेरे आंखों आगे रहेंगे, कहीं जाए थोड़े रहे। ठीक कह रहा राज बिल्कुल, लड़ाई का के घटाना छे बटे। प्रधान जी तम उन्हें कह दियो हमें उनकी सब शर्त मंजूर है, और अर्जुन को मैं समझा लूंगा। कल अर्जुन जाके कीर्ति को ले आएगा। ठीक राजवीर, अब मैं चलूं। राम राम। राम राम प्रधान जी। बेटे बात को समझ। माँ राम राम। पिताजी राम राम। राम राम बेटा। ये लो पापा। माँ। हाँ। मुझे भी रोटी घाल दे और टिफिन पैक कर दे मेरा। रोटी घाल दू, टिफिन लगा दू, क्यों? अरे वो बनाने लग रही तेरी महारानी, उससे करवा लेना भाई, तू न्यारा हो गया। फिर तुम्हारा पीछा छोड़ दे, वो ही लगा के देगी तेरा टिफिन और वो ही देगी तेरा रोटी। भैया आप रुको, मैं आपके लिए खाना लेके। बैठ चुपचाप। मैं नहीं ले रहा था, मुझे पता था कि यूं काम होगा। तुमने इसकी न्यारे होने वाली बात भी मान ली। जब तभी मेरा साथ ना दोगे तो मेरा साथ कौन देगा? भैया रुको। बैठ। आई बड़ी भैयाणी। भैया रुको, मैं आपके लिए टिफिन लगा के लेके आती हूँ। भैया भैया कर रही है, बैठ जा। अरे भगवान, जो तुझे दो रोटी खाने को और दो ले जाने को दे देती, तेरा कुछ बिगड़ जाता के? भेज दिया ना भूखा, हज कर दी बिल्कुल। तुम समझते नहीं बात को, हम उसको रोटी देंगे तो वो बहू के पास ना जावे। माँ तो क्या हो गया, आप भैया को दो रोटी दे देती हो, आपको कुछ चला जाता? तुम बाप बेटी को कैसे समझाओ? मैं क्या करूं, किस किस की मानूं, मेरा तो जीवन दुखी हो लिया, घर जाऊं तो वहां भी चैन नहीं, और अब मैं करूं तो क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन मेरे भाई, यहां कैसे बैठा, क्या सोच रहा तू? के बताऊं यार, मेरे तो ऐसी कलियारी औरत आ गई जिसने मेरा जीना हराम कर रखा, अब अपने घर से तो आ गई पर अलग होकर बैठ गई। अरे भाई कुछ बातें ना समय के हाथों में भी छोड़ देनी चाहिए। समय के हाथ के छोड़ दूं, कोई के कहे होगा, अब कुंवारी बहन को छोड़कर न्यारा होकर बैठ गया। मेरे भाई तू ज्यादा मत सोच, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ रहिए और तेरा दिमाग भी ठीक हो जाएगा। आजा आजा बैठ जा, सब ठीक हो जाएगा मेरे यार, तू क्यों चिंता कर रहा है? अर्जुन को गए हुए पूरे दो दिन हो गए, अब तक वो घर नहीं आया, पता नहीं किस हाल में होगा,
अरे इतनी भी क्या नाराजगी है अपनी माँ से, वो घर छोड़ के चला गया। माँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम भैया को रोटी दे देती ना तो कम से कम भैया घर से तो नहीं जाते। हाँ तू भी मुझे कह ले, अरे मैंने तो उसका भला सोचा था कि मैं ऐसे करूंगी तो वो कीर्ति के पास चला जाएगा। हाँ हो तो गए दूर, दो दिन से घर भी नहीं आए। शीतल बेटा अपने भाई को कहीं से भी ढूंढ के ला, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था मेरी बात का इतना बुरा मान जाएगा। चलो अब तुम रोना बंद करो, मैं कैसे भी करके भैया को ढूंढ के लेके आऊंगी। मारे इस घर के कलेश के कारण छोरी को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। हाँ ठीक कह रही है तू, मारी छोरी बहुत समझदार है, मुझे अपनी छोरी पे गर्व है। जो मारी छोरी पुलिस अफसर बनेगी ना, बहुत समझदारी के काम करेगी। बस ये छोरी किसी तरह भी मेरे अर्जुन को ढूंढ के लिए आवे। हेलो रमेश। हाँ बोल कीर्ति, सब ठीक तो है? हाँ यहाँ के होना तो सब ठीक है। मैं तो अर्जुन की गर्ल न्यारी होके आई थी, आज अपनी माँ से रोटी मांगा था, उसने भी मना कर दी। तो फिर क्या हुआ? फिर होना के था, चला गया गुस्से में, दो दिन हो गए घर ही ना आया। फिर उसे ढूंढने की कोशिश ना करी? अजी मेरा जाए मुंह तुसे ढूंढने, मैं तो चाहूँ उसकी लाश आए घर ताकि मेरा भी पीछा छूटे उससे। ठीक कह रही तू, जब वो हमारे रास्ते से हटेगा जबी तो हमारी शादी होगी। काश वो दिन जल्दी आए। हाँ आ जाएगा, चल ओके बाय। बाय लव यू। सुबह से रात हो गई, शीतल अभी तक अर्जुन को लेके ना आई। अरे भगवान तू परेशान ना होए, आ जाओगा। और मुझे पता है वो बहुत दुखी और परेशान है, पर हमारी बेटी शीतल बहुत बहादुर और समझदार है, अर्जुन को लेकर आती होगी बस। पता नहीं जी, दो दिन हो गया उसको गए हुए, कहाँ है, किस हाल में है, खाना उना कुछ खाया है बिना? माँ अर्जुन कहाँ है बेटा? माँ मैंने भैया को बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन भैया मुझे कहीं नहीं मिले। ऐसा कहाँ चला गया मेरा बेटा, कहीं कोई अनहोनी तो ना कर ली उसने? माँ आप ऐसा मत बोलो, कल रक्षाबंधन है, मेरे भाई जहाँ भी कहीं होंगे वो कल जरूर घर वापस आएंगे। माँ भैया आ गए। चला गया था बेटा, तू तो जिंदा जिया मैं मार दिया, छोटी सी बाप को घर छोड़ के जाए बोला। चाची ये बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा परेशान होकर नहर के पुल पे जाकर बैठा था तो मैं इसे अपने साथ ले गया, तो मैंने सोचा कल रक्षाबंधन है, शीतल से मैं भी राखी बनवा लूंगा, तो बस मैं इसे अपने साथ लेके आ गया। मैं तो तब खुश होती जब इसकी लाश घर आती। अब रोना धोना बंद करो, अब तो भैया घर भी आ गए। पर बेटा तू हमें एक बार फोन करके तो बता देता, हम यहाँ कितने परेशान हो रहे थे। चाचा ये बात तो मेरे दिमाग से निकल गई, पर ये घर का कलेश देखकर अंदर से टूट गया था। अर्जुन शीतल को देख, ये कितनी बहादुर है, हर मुसीबत का डट के सामना करती है, और मेरे यार तू जरा से कलेश से घबरा गया। ठीक कह रहा तू, अर्जुन अपनी इस बहन को देख जो हर मुसीबत का बहादुरी से डट के मुकाबला करे, और एक तू इतना कमजोर हो गया, बिल्कुल बालक ही हो रहा। अर्जुन चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर तू इतना कमजोर पड़ गया तो चाचा को कौन संभाल लेगा। लेकिन हाँ तू ये मत सोचिए कि मैं तुझे अपने घर नहीं रखना चाहता, तुझे जब मेरी जरूरत होगी मैं तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। अब तू हिम्मत से काम ले, और बहन शीतल अब मैं चलता हूँ, मैं कल तुझसे राखी बंधवाने आऊंगा।
माँ शीतल आई बेटा। हाँ भैया बताओ क्या बात है। मैं सोच रहा हूँ अब शीतल को यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेज दूँ, वहाँ ढंग से इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और इस कलेश से दूर भी हो जाएगी। बेटा सोचा तो तन्ने ठीक है पर इतने पैसे आवेंगे कहाँ से। तुम फिकर मत करो, चाहे मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़े पर मैं इसकी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। हाँ सारी कमाई इसके पीछे लगा दिए, हमारे लिए ना छोड़ियो कुछ भी। अरे तेरी कौन सी चीज ना रही, हमें बता हम ला कर देंगे, पर तुम्हारे भाण भैयाओं के बीच मत ना बोले करे। ये तो अच्छा हुआ है यहाँ से जा रही है, कम से कम एक पहरेदार तो कम होगा। पर बेटा ये दिल्ली में रहोगी कहाँ। माँ तू चिंता मत करे, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। शीतल तू बैग पैक कर, मैं तुझे अभी दिल्ली छोड़ करूंगा। ठीक है भैया। ठीक है। पर बेटा इतनी जल्दी क्या है, एक दो दिन और रुक जाता। माँ या इस कलेश से जितनी जल्दी निकल जाएगी उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है बेटा तू ना मानता तो छोड़ के आ जा, पर आते हुए एक किलो चीनी लेते आइए। ठीक है माँ मैं भी लगते बदल लूँ। ठीक है बेटा। शीतल ये आ जा जल्दी। आई भैया। ला, मुझे दे। चलो भैया मैं तैयार हूँ। देख शीतल बेटा तेरा भाई तुझे कितनी मेहनत से पढ़ा रहा है, इसकी इज्जत पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए। माँ तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं एक दिन भैया का जरूर नाम रोशन करूंगी। चले चलो भैया। माँ नमस्ते। पापा नमस्ते। ठीक से अच्छे से जाओ। ठीक है माँ। ठीक है बेटा ध्यान से जाना। विरम भाई कैसे हो। मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो। बस मैं भी ठीक हूँ भाई। और कहाँ रह रहे हो, आजकल दिखाई ना देते। बस यार तुझे तो पता ही है नौकरी के चक्कर में लगे रहे हैं बस। और कहाँ से आ रहे हो तुम दोपहरिया में। अब तो मैं शीतल को छोड़ गया हूँ दिल्ली, वो यूपीएससी की पढ़ाई की तैयारी कर रही है। यूपीएससी की तैयारी कर रही है वो। हाँ हाँ यार यहाँ घर में रहकर तो तैयारी हो ना रही थी, तो लड़ाई झगड़े वही डेली कलेश, उसे दिल्ली छोड़ गया, आराम तो पढ़ रही बेचारी। अरे भाई भाई हो तो आपके जैसा, आप जैसे दिन रात मेहनत कर रहे हो ना, आप टेंशन ना लो, एक ना एक दिन वो बहुत बड़ी अफसर बनेगी। हाँ भाई करेगी तो सही, बस वह कामयाब हो जाए हमारी तो यही इच्छा है। चलो भैया अच्छी बात है, हम तो नुके हैं तुम्हारी बहन पढ़ी लिख के बड़ी अफसर बने और गांव का नाम रोशन करे। हाँ बिल्कुल भाई, थारे जैसे भाइयों की तो दुआ है। अरे भैया टेंशन ना लो, हमारे आशीर्वाद और दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया भाई वो। अरे हाँ मैं चीनी लेने आया था, तू 2 किलो चीनी तोल दे। रुको भैया। छोटे गोल फ्लैग दे दी भाई। लो भैया माचिस दे। पैसे दे दो भैया। हीटर नहीं चला रहा। अरे कौन है भाई तू। अरे यार अंगूठी तेरे हाथ में कैसे है। अरे सुनिए। हाँ अरे सुन भाई कौन है तू जगह जगह। अरे भैया हेलमेट तो ले जाते।
भीरम भाई यू कौन था? कुछ ना भैया, ये तो रोज आवे, सरकट पी के चले जावे। अच्छा, पता कौन से काम का? ये तो ना पता भैया। अच्छा, अगर ये दोबारा आवे ना तो मुझे जरूर बताइए, ठीक है? टेंशन ना लो, मैं फोन करके बता दूंगा। ठीक, और चीनी तो ले जाते अपनी। अरे यार, कीर्ति, ए कीर्ति, हाँ दीदी, कमरे में ही हूँ, अंदर ही आ जाओ। मैं तो ये सोच रही कि अर्जुन यही है। आओ दीदी बैठो। अर्जुन तो टूट ही गया है। वो तो इनसे भी आ गए। वो नहीं चाहता मैं तुमसे बात भी करूं। दीदी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ना ना बैठ जा, चाय तो मैं पी के आई हूँ। तू तो वैसे ही परेशान रहे, मैं तो तेरे से बात करने आई थी। बताओ दीदी, क्या बात करनी थी? पहले तो ये मेरे साथ करते थे ऐसा, अब ये तेरे साथ करते हैं। आप ठीक कह रही हो दीदी, भाई साहब तो आपकी सारी बात सुने, अर्जुन तो मेरी एक भी नहीं सुनता। पहले कहाँ सुनता था तेरा भाई साहब, पहले तो अपने माँ बाप का ही गुनगाता था। फिर मैं किसी भगत के पास ले गई उन्हें, उन्होंने उन्हें ठीक कर दिया है। दीदी मुझे भी उस भगत का पता बता दो, मैं भी अपना काम करा लूं। हाँ वो तो ठीक है, मैं तुझे पता बता दूंगी, तू किसी दिन चली जाना। मैं तो रमेश के साथ कल ही चली जाऊंगी। अरे इन्हें तो ऐसे पागल कर दूंगी कि ये सब मेरी मेरी सुनेंगे, और फिर मैं रमेश के साथ खुल के आशिकी लड़ाऊंगी। किस सोच में पड़ गई? कुछ ना दीदी, मैं तो सोच रही थी आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। कोई बात ना है, हम दोनों एक दूसरे के काम तो आए। अब मैं चलूं, कभी अर्जुन ना आ जाए, हम दोनों को देख के ना चिढ़ जाए वो। ठीक है दीदी। ज्योति, ज्योति कैसी है तू? ज्योति मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थी तू? तू कुछ परेशान सी रहने लगी है। परेशान ना रहूँ तो क्या करूँ? ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? अब मैं क्या बताऊँ तुझे, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ज्योति ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? शीतल, मैं एक लड़के के प्यार में पड़ गई थी, उसने मुझे दुनिया भर के सपने दिखाए, मैं उसे पहचानने में धोखा खा गई, अब मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं तुझे ज्योति इस बारे में, मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूं, जो लड़की अपने घर वालों के खिलाफ जाके ये कदम उठाती है उसका नतीजा बुरा ही होता है। ये गलती तो मुझसे हो गई, अब तू बता मैं क्या करूं? चल ये सारी बात छोड़, वो तो अच्छा हुआ वक्त रहते तुझे ये सारी बात पता चल गई, वरना वो तेरे साथ बहन पता नहीं क्या क्या करता और फिर तेरा क्या हाल होता। अब तू इसे बुरा सपना समझ के भूल जा और अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से कर। शीतल, तेरे से बात करके ना मेरा मन हल्का हो गया, अब मैं पढ़ाई पे ही ध्यान दूंगी। हाँ बहन, मैं भी यही चाहती हूँ, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और अपने माँ बापों के सपने पूरे करे, उन्होंने तेरे लिए कितने सपने देखे, सब कुछ भुला के एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। सुबह सुबह। हेलो। हाँ शीतल, के बात है, तू ठीक तो है? मन तो लग रहा तेरा। भैया सांस तो ले लो, सब बताती हूँ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। भैया मैंने आपको सुबह सुबह इसलिए फोन किया, आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। हाँ बता, के बात है? भैया अब तक तो मैं वहाँ पे ही थी, लेकिन अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तुम ना भाभी पे नजर रखना। क्या बात है, साफ साफ बता। भैया भाभी ना किसी से छुप छुप के फोन पे बातें करती हैं, और जब भी मैं उन्हें देख लेती थी ना,
मुझे देखते ही सहम सी जावे थी और मेरे देखते ही तुरंत फोन काट देती थी। अच्छा तो यह बात है, तू यहाँ की टेंशन मत ले, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। ठीक है भैया। कर ले बात, घबरा क्यों रही है? हम तेरे थोड़ी कुछ लगे हैं, तेरा सब कुछ वही लगे है। तेरे तो छुपके बात कर रहा है और अब भी कर रही है। क्या बोल रहे हो आप? मतलब सही है मेरा? कौन है वो छुपके बात कर रहे है? सहेली है मेरी। सहेली है? सहेला? ये कैसा इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? इल्जाम ना, सही कह रहा हूँ मैं। मुझे सबसे पहले सारी बात बता दी कि तू छुपके किसी से बात कर रहे है। ओ, तो ये सारा कारनामा तुम्हारी उस प्यारी बहन का है? मैं बड़ा भरोसा है अपनी बहन पर। हाँ, भगवान से भी ज्यादा। मेरे पास शीतल का फोन आया था और वो मुझे बता रही थी कि छुप छुप के तू किसी से बात कर रहा है। ला फोन दिखा अपना, मुझे भी तो पता लगे कि तू किससे बात करती है। ले मर, कर फोन, कर बात। हेलो। हाँ कीर्ति बोल। ये तो कोई लेडीज है। हो गई तसल्ली तेरे? तसल्ली? तसल्ली तो जीवन में मुझे होने ही ना। ओ, तो वो मेरी पोल खोलना चाहती है। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी दुनिया याद रखेगी और उसे अपनी औरत होने पर भी अफसोस होगा। और ये जो उसका भाई है ना, जो उस पर बड़ा गर्व करता है, उस दिन ये भी उसका भाई होने पर रोएगा। चल बैठ। अरे यार, मुझे कुछ याद आ गया। अरे के याद आ गया? अरे यार, टेंशन में 12 बंद करनी भूल गया। मैं तो बंद कर रहा हूँ, तू चल। यार, और देखिए 12 बंद करके सीधा घर को आ जाइए, कभी वहां बैठ के फिर सोचना शुरू कर दे। ठीक है तू चल, मैं आ रहा हूँ। हेलो रमेश। हाँ बोल कीर्ति, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। मेरे पास लाजू दीदी आई थी। हाँ, वे मुझे ना एक तांत्रिक के बारे में बता रही थी। वो ऐसा तंत्र मंत्र करता है कि आदमी उसके वश में हो जा। अरे मैं तो पहले तेरे वश में हूँ। मजाक मत ना करो, मैं अर्जुन और उसके घर वालों की बात कर रही हूँ, जिससे कि वो मेरे वश में आ जाए। अरे इन्हें वश में करके क्या करेगी तू? ताकि हमें मिलने जुलने में परेशानी ना हो, ये मेरे वश में रहेंगे तो हम आराम से कहीं भी आ जा सकें। अरे ऐसा कुछ ना है, ये भगत बाबा कुछ ना ले रहे, ये बना हुआ है पागल। रमेश तुम कल मेरे साथ चलोगे या नहीं, बस इतना बताओ। तेरी खुशी के लिए मैं तेरे साथ चलूंगा, पर तू कैसे निकलेगी वहां से? वो सब तुम मेरे पे छोड़ दो, तुम बस कल 10 बजे आ जियो। ठीक है, मैं 10 बजे आ जाऊंगा। ओके बाय। बाय, लव यू। हाँ कीर्ति, मैं एक मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है बाबू। पर तेरा ससुर कहाँ है? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, उसे तो मैंने नशे की दवाई खिला के सुला दिया। और रही बात अर्जुन की, तो वो तो ड्यूटी पे बिजी है। चल ठीक है, तू बाहर आ जा, मैं भी आ लिया। ठीक है।
तू कहीं ना गई दीदी? मैं नीचे आई थी तो तू दिखाई नहीं थी कहीं। मैं तो अंदर ही सो रही थी। अच्छा वो कौन था जो सुबह बाइक लेके आया था? अच्छा वो तो हमारा रिश्तेदार था, मैं उसके साथ ना यहीं तक गई थी बस। आज से पहले तो नहीं देखा इनका ये रिश्तेदार, ये भी इसी लायक है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कहाँ खो गई दीदी? कहीं नहीं। दीदी इस बात का इनके सामने जिक्र मत ना करना। तू पागल तो ना है? मैं ना करूँ लोगों के सामने कोई जिक्र, और हम दोनों एक दूसरे के काम तो आमे हैं। माता और शीतल का आने का टाइम हो गया है। हाँ हो तो रहा है दीदी। तो मैं अब चलूं? नहीं तो हम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देख लिया ना तो उनकी आंख सी लग जाएगी। ठीक कह रही हो दीदी आप। शीतल का फोन। हेलो। हेलो भैया। भैया नमस्ते। हाँ शीतल कैसी है? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, और घर पे सब ठीक है? हम सब ठीक है, और बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ भैया मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है। और हाँ भैया वो मैं ये कह रही थी कि मेरी ना एक दिन की छुट्टी है, तो मैं सोच रही थी मैं घर पे भी आ जाती और मेरी कुछ किताबें रह गई थी, इस बहाने मैं आपसे भी मिल लेती सबसे। हाँ ठीक कह रही तू। भैया आप मुझे लेने आ जाना। मैं तुझे कब तक लेना हुआ? एक बात बता, अब तू बड़ी हो रही है, पुलिस की तैयारी कर रही है, अब अकेला आना जाना सीख ले। ठीक है भैया। ठीक है फोन रखता हूँ। माँ। की बात बेटा, किसका फोन था? शीतल का फोन आया था, वो आने को कह रही थी। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, मेरी लड्डो को देखे हुए बहुत दिन हो गए। या तो सोने पे सुहागा होने वाली बात हो गई, अब तुम अपनी लड्डो को किसी और ही रूप में देखोगे। माँ चल मैं लेट हो रहा हूँ अब ड्यूटी के लिए। ठीक है बेटा। बढ़िया ही मेरी पोल खोलने वाली, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब इन किताबों को कोई जब भी उठाएगा तो उसे ये फोटो जरूर मिलेगी, और फिर मैं उसे शीतल का बॉयफ्रेंड बता दूंगी, तब आएगा मजा, जब वो पूरे घर वालों की नजरों में गिर जाएगी, तब उसे पता चलेगा कीर्ति से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। चाचा। हाँ भाई आया। अच्छा राम 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 भाई आ जा अर्जुन बैठ। और सुना अर्जुन भाई? बस चाचा के सुना वे, तुम्हें तो सारी बात पता ही है, नौकरी में गुजारा ना हो रहा, वे पिताजी बीमार हैं, फिर शीतली पढ़ाई का खर्च, मैं बड़ा परेशान हूँ, तू मेरी मोटरसाइकिल बिकवा दे। अच्छा मुझे पता है तो शीतल को अधिकारी बनाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है, और भाई इस पढ़ाई में पैसे भी लगते हैं, और मुझे पता लगा है कि इसके लिए तू अपनी जो तेरी गोरे की जमीन है उसकी भी बात करी तन्ना राम निवास से। हाँ चाचा नहीं करी, फिलहाल तो मोटरसाइकिल बेच के काम चल जाएगा, आगे उसकी पढ़ाई में पैसों की जरूरत पड़ेगी, और कहीं तक कोई जुगाड़ ना हुआ तो मैं नहीं चाहता कि शीतल की पढ़ाई रुके। काम तो तू बहुत बढ़िया कर रहा है भाई, पर कोई बात नहीं भाई, ये सारे काम करने पड़ते हैं, और अगर ऐसा कोई समस्या होगी भी तो अपनी जमीन गिरवी धर ली। सही कह रहा चाचा तू, वो तो टाइम बताऊगा और देखेंगे क्या होगा क्या ना होगा। तू मेरी मोटरसाइकिल दिखवा दे बस। चल ठीक है मैं करता हूँ बात कहीं। चल ठीक है चाचा बताइए मुझे। ठीक है भाई ठीक है। राम राम। राम राम भाई।
अर्जुन। अरे आ लिया अभी। कहाँ रह गया तू? तने लेट करवा दी, आज शाम को वैसे भी जल्दी आना। अरे ऐसा क्या हो गया जो शाम को जल्दी आना? शीतल की एक दिन की छुट्टी है, शीतल आ रही है, हो सके वहां लेट भी जानी पड़े। फिर तो मैं भी शीतल से मिलने आऊंगा। अरे तू मिल तो लिए, पर तू एक बात ध्यान रखी, तू शीतल को नुमत बताइए, उसकी पढ़ाई के चक्कर में मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी, अगर उसे यह बात पता लगेगी ना उसे बहुत दुख होगा। अरे कैसी बात कर रहा, मैं पागल हूँ क्या? मैं सब जानू, चल बैठ। चल अजी, अंधेरा हो लिया, मारी बेटी अब तक ना आई। आती होगी, तू परेशान ना होवे, मारी शीतल बहुत बहादुर बेटी है। माँ नमस्ते, पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटे तू कुछ दिन पहले तो गई थी, पर न्यू लगा है, सालों बीत गए तुझे देखे हुए। हाँ माँ। चल बैठ, मैं चाय लेके आती हूँ। ले अर्जुन भी आ गया। पिताजी राम राम, माँ राम राम। भैया नमस्ते। नमस्ते। अरे शीतल आ गई तू? हाँ भैया। और ठीक है? हाँ भैया। आने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई। माँ इसे कुछ खाने को दिया? अगर वैसी बैठा रखी बात तो मैं लगा के। बेटे तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। सही कह रही, मैं हाथ मुंह धो लूं, फिर गैल बैठ कर रोटी खाऊंगी, घने दिन हो गए। हाँ भैया बहुत दिन हो गए, आज साथ बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है ठीक है बेटा। और पिताजी आप बताओ, आपकी दवाई गोली टाइम पे चल रही है? सब टाइम पे। लगा लिया बेटी सामान? हाँ माँ रख रही हूँ। अच्छा ध्यान से लगा लेना सारा सामान, कुछ भूल मत जाइयो। हाँ माँ वो तो सब ठीक है, पर आप मुझे एक बात बताओ। पूछना बेटा, तू परेशान क्यों है? माँ वो भैया की मोटरसाइकिल नहीं दिख रही। बेटा उसने अपनी मोटरसाइकिल तेरी पढ़ाई के लिए बेच दी। भैया ने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी मोटरसाइकिल बेच दी? हाँ बेटा, भाइयों के भी बाप का फर्ज नहीं मारा है, ऐसा भाई भगवान सब ने दे। हाँ माँ आप ठीक कह रही हो, ऐसा भाई भगवान सबको दे, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसा भाई मिला है। हाँ बेटा। माँ मैं आपके लिए खाना ले आऊँ? ना बेटी, इब्बत तेरे भाई ना आया है, उसे आने दे, हम सारे साथ बैठ के खावांगे। ठीक है। लो माँ भैया भी आ गए। माँ राम राम। पिताजी राम राम। राम राम। आगे बैठा तू? हाँ जी। भैया रुको, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बता, की बात होगी? भैया पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपकी बाइक कहाँ है? बाइक का क्या करा है तू? बाइक तो खराब हो रही थी, वो कई बार ठीक भी करवा ली, फिर मैंने सोचा उसे बेच ही दूँ, वो खराब हो रही थी। भैया आप मुझसे झूठ मत बोलो, आपने इस वजह से नहीं बल्कि आपने मेरी पढ़ाई की वजह से अपनी बाइक बेची है। माँ से मैंने सब कुछ पूछ लिया, उन्होंने मुझे सब सच सच बता दिया। माँ फिर भी रह ना गया, तुझे क्या जरूरत किसने बताने की? क्यों ना थी जरूरत, इसे भी तो पता चलना चाहिए कि घर में क्या क्या बिक रहा है इसकी पढ़ाई के चक्कर में। तू चुप रह, इसकी पढ़ाई जरूरी है या मोटरसाइकिल जरूरी है? पढ़ लेने दे, फिर इसकी नौकरी लग जाओगी, मोटरसाइकिल फिर ले लेंगे। अजी इसकी लग रही है नौकरी, आजकल इसका पढ़ाई में ना कहीं और ही मन लग रहा है। तू चुप रह, चल भीतर, तेरे मुंह से कभी थोड़ी बात निकल नहीं सकती इस छोरी के लिया। शीतल बहन तो दुखी मत हो गए, तू तो इसके आदत जाने है ना, मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, तू टेंशन फ्री रह, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ फिर खाना खाएंगे। और हाँ कल तुझे दिल्ली भी जाना, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। ठीक है भैया। पिताजी।
आप अपना ध्यान रखना और सारी दवाइयाँ टाइम से लेते रहना। बेटी तू हमारी फिक्र छोड़, अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई लगन से करिए बेटा। हमारी सारी उम्मीद तेरे पे टिकी हुई है और तुझे पढ़ाने के लिए देखे तेरा भैया बहुत मेहनत कर रहा, इसकी इज्जत का ख्याल रखिए बेटी। मुझे पता है मेरे भैया का मुझ पे कितना बड़ा एहसान है। भैया ने मेरे लिए दिन रात मेहनत कर कर मेरे सपनों को पूरा किया। जहाँ तक कोई लड़की नहीं पहुँच सकती, मेरे भैया ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। एक दिन मैं जरूर अपने भैया का बहुत बड़ा नाम रोशन करूँगी। फर्ज को एहसान नहीं समझते मेरी प्यारी बहन, ये तो मेरा फर्ज है। और कोई भी भाई अपनी बहन के लिए कितना भी कर ले, ये उसका फर्ज होता है, उसका धर्म होता है, और हर भाई को ऐसा ही करना चाहिए। बड़ा प्यार हो रहा है दोनों भाई बहन में, बड़ी फर्ज और विश्वास की बातें करी जा रही है। थोड़ी देर में सारा फर्ज और विश्वास मिट्टी में मिल जाएगा। ये भाई की प्यारी बहन मुझे उसकी नजरों में गिराना चाह रही थी, मेरा भांडा फोड़ना चाहती थी। अब देख मैं इस भाई की प्यारी बहन को उस भाई की नजरों में कैसे गिराती हूँ। मैंने तो अपना काम कल रात ही कर दिया था। बेटी यो एक दिन तेरे गल किसा बीत गया, हमें तो पता ही ना चला। अब पता नहीं कद उल्टी आओगी यो। अब मेरा भी तो भरोसा नहीं भगवान मुझे कद ठाले। मुझे तो फिक्र इस बात की है अगर मैं अपने जीते जी अपनी बिटिया के हाथ पीले कर पाऊंगा कि नहीं। पापा जी आप ऐसा मत बोलो, आप ही तो हो हमारे लिए सब कुछ। छोरी भी पावड़ी है, ऐसा रो रही है जैसे सासू के जा रही हो। चल लेट हो जाएगी, तेरी बस भी लिकट जाएगी। तने सारी बुक रख ली तेरी? हाँ माँ। ना तेरी दो बुक तो भीतर पड़ी है, मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है लिया जल्दी, बस लिकट जाएगी फिर इसकी। ले पैसे धर ले, कुछ खा पी लिए। भैया मैं इन पैसों का क्या करूंगी, वैसे भी तो मैं बाहर का कुछ खाती तो हूँ नहीं, और वैसे भी भैया आप मेरे ऊपर इतना खर्चा करते तो हो। ए बावली रख ले रख ले, अपने ब्याह में खर्चा थोड़ा कम करवा लिए। खर्चे कम की बात कर रहे हो पिताजी, अब तो खर्चा अनुमान और बढ़ जाओगा। अभी अफसर बन जाओगी तो इसके लिए लड़का भी अफसर देखना पड़ेगा। ले बेटा ये दो तीन किताब है रख ले। ये लटका तो मैंने देखा है धर्म की दुकान पर, और हाँ इसके हाथ में मेरी अंगूठी भी थी, और जब मैंने अंगूठी के बारे में पूछा तो ये घबरा के वहां से भाग गया। तेरी अंगूठी इसके पास कैसे आई, और ये लड़का है कौन? तुम लोगों को मैटर अब भी समझ में नहीं आ रहा? ये फोटो इसकी किताबों में मिली है, इसका सीधा सा मतलब है ये इसका प्यार है। ये दूसरों पे इल्जाम लगाती है, वो खुद देखो क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। कौन है लड़का? पता कौन है लड़का? भैया मुझे नहीं पता। बताया मुझे? भैया मैं नहीं जानती, ये फोटो मेरी किताब में कहां से आई? मुझे कुछ नहीं पता। सब पता तुझे? आज क्या तेरा? नहीं भैया, नहीं। वो इतना प्यारा होगा कि तू घर से चीनी चुरा के उसे दे रही है? नहीं भैया नहीं, आप मुझ पे यार आप मत लगाओ। मैंने तेरे लिए केक के करा और तू ये गुण खिला रही है? तेरी पढ़ाई पूरी करवाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी और तू घर से चीज चुरा के अपने यार को दे रही है? भैया आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रही।
चाहिए भैया को, मैं गलत नहीं हूँ। अरे इससे बड़ा क्या गलत काम करेगी तू, तेने तो मारी आंखों में धूल झोंक दिया। अरे कोई भी भाई अपनी बहन पे विश्वास करके बढ़ाएगा नहीं, तू ऐसे कांड कर रही है मेरी भाग। पापा आप तो कुछ बोलो, आप तो जानते हो ना अपनी बेटी को कि कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं क्या बोलूं बेटी, मैं तो तन्ना कहीं बोलने लायक छोड़ जाई नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे से विनती कर रही है, पढ़ाई तो तेरा भन्ना है, मेरे मेहनत के पैसों को तू खराब कर रही है, अपनी अय्याशी में लगा रही है। भैया बस बस करो भैया, हम पे अब और आरोप अपने ऊपर सहन नहीं होगा, जो हमने किया ही नहीं है आप उसकी सजा हमें क्यों दे रहे हो। ये तो सहन होगा तुझे, जो आवारा है लफंडर है, जो तुझसे चोरी करवाकर अपनी अय्याशी पूरी कर रहा है, ऐसे आदमी से रिश्ता रख, हमें धोखा दे रही है। आज से तेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद, जितने तेरे पढ़ाई का नाटक होना था हो लिया, ठीक है। भैया ये तुमने क्या करा, एक ही पल में मेरे सारे सपने तोड़ दिए, और तूने हमारी उम्मीद। ऐसा किया तो बहुत गलत किया, उन्होंने मेरे एक ही बार में सारे सपने तोड़ दिए। सोचा था कि और क्या हो गया। मां मैंने तो पूरी कोशिश करी थी अब उसे कामयाब कर दूं, पर भाई गलत दिशा में जा रही है। बेटा ये किसे की चाल है हमारी शीतल को बदनाम करने की। रे तू पागल हो रही है के, इस घर में भला उसे कौन बदनाम कर सके। ये बुढ़िया ठीक कह रही है, इसे मेरे पे शक हो गया दिखे, पर इस बार मैंने ऐसा जाल फेंका है ये दोनों बाप बेटे इसकी बात पे यकीन ही नहीं करेंगे। वह बात तो तुम ठीक कह रहे पिताजी, उसी किताब में फोटो धरेगा कौन, पर जब शीतल दिल्ली गई ना वो छोरा ही काम के चक्कर काट रहा था। यह बात चाचा भीरम ने बताई मुझे कि छोरा काम के चक्कर काट रहा, और फिर उसके हाथ में मैंने अपनी गुट्ठी देखी जो मेरी खोगी। यू बात तो मेरे दिमाग में ही ना आई अंगूठी वाली, कि यह अंगूठी उस लड़के को शीतल ने ही दी थी। तू जाना है बेटा तेरी बहन कैसी है। वह बात तो ठीक है माँ, पर यह सारी बात मेरी आंखों आगे घूम रही है, मैं इस बात को कैसे झूठ लाऊं। और हाँ से कुछ खान को दे दिए, कभी वो ऐसी भूखी पड़ी रहे। रे सुन तो सही, अब कहां चला? अब आएगा असली मजा। हेलो रमेश। हाँ कीर्ति, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, पर यहाँ के ड्रामे देख के तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे क्या हो गया ऐसा वहाँ? आज तो अर्जुन ने शीतल की किताबें जला दी। अरे ये तो बहुत बड़ा नाटक हो गया वहाँ पर, ये हुआ कैसे? जहाँ कीर्ति है वहाँ नाटक तो अपने आप ही हो जाते हैं।
हाँ फिर भी चौकस रहिए, अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? मेरी तरफ से तू फंसे या शीतल फंसे, मुझे तो माल मिल रहा। बेटा बैठियो, खाना खा ले, यू कब तक रोती रहोगी? गिराने के लिए ये चाल चली है। हाँ बेटा, लागत तो मुझे भी यूं ही है, पर तेरे भाई अर्जुन को और तेरे पापा को कौन समझावे? माँ मुझे अब नहीं जीना, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं कहीं जाकर मर जाऊं। ना बेटी, इसी बात ना बोलिया करें, अरे हर मुसीबत का सामना डट के करिया करें, और तू एक काम कर, खाना खा। अच्छा तू एक काम कर, तेरी बुआ राजबेरी का ना फोन मिला के दे मने, उससे बात करूंगी मैं। क्या सब्जी बनाऊं? जी राम राम। राम राम भाभी, घर पर सब ठीक ठाक हैं? जी जी कहाँ ठीक है, मारे पे तो एक के बाद एक मुसीबत आती रहो है। अब क्या हो गया? जी जी इस छोरी का मन बहुत दुखी है, तू इसे अपने साथ ले जा। बस तू छोरी को रात रात संभाल ले, दिल्ली कर तो मैं आ ली, चिंता ना कर यार। ठीक है दीदी, मेरा दिमाग तो बिल्कुल ही काम ना करे। छोरी पे जरा सा विश्वास ना आए ना, हद होगी बिल्कुल ही। तेरी राम राम लेने आई हूं मैं यहां। जी तेरा बने ना भगवान, दूध दन है जी रब, राम राम। बैठो। ये राजवीरी तू इतनी क्यों छो में आ रही है? ना तन्ने कुछ आने की खबर दी, ऐसे कई बात होगी? के बात? बात तो तुम सबना कर रखी हो छोरी की गैल। के राग है जो तुम इतना बुरा कर रहे हो उसकी गैल? जी तेरा बनी रहा, दूध नहाओ पोत तो फड़ो, भगवान तेरी जोड़ी पार तारा बेटा दे परमात्मा। तुम सब चुपके क्यों खड़े हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कल रात शीतल ने फोन करा और मुझे सारी बात बताइए, उसने मुझे यहाँ बुलाया। अब वो के जवाब दे रहे हम, तुम अभी आराम करो, सांझ को बैठ के बात करें। शीतल को अपनी गैल और मैं देखू तुम कौन सा रोकेगा, अपनी गैल रखूंगी मैं से, मैं देखूंगी छोरी कौन सा ऐब कर रही है। चुप हो जा, बैग मुझे दे।
तूने बहुत गलत किया बहन शीतल के साथ ऐसा करके। हमारी बहन कभी गलत हो ही नहीं सकती यार, वो बहुत ही नेक और सज्जन छोरी है। इसमें जरूर कोई ना कोई किसी ना किसी की चाल है, इस बात को हमें समझना चाहिए यार। चाहे तुम कुछ भी कहो यार, पर उसने मेरा भरोसा, मेरी उम्मीदों में पानी फेर दिया। कितना घमंड था मुझे उसके ऊपर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी बहन भी ऐसा कर सकती है। हम इस बात के तह तक जाएंगे और देखना, इसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ मिलेगी। क्या गड़बड़ मिलेगी यार, मेरे सामने उसकी किताबों में से उसका फोटो निकला और फिर दुकान वाला बिरम वो बता रहा ये लड़का गांव के चक्कर काट रहे। अगर बिरम ने उस लड़के को इस गांव में चक्कर काटते हुए देखा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो शीतल से मिलना आया होगा। अरे किसी और से ही मिलने आ सकता है। बात तो तेरी ठीक है, पर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब असलियत तेरे सामने आ जाएगी ना तो तुझे सब समझ में आ जाएगा कि हमारी बहन ने ऐसा कुछ नहीं किया। चल अब तू उदास मत बैठ, आजा। ये बहू तो हमारे हाथ से निकलती ही जा रही है, पता नहीं हफ्ते 10 दिन में सज सवर के कहां जावे। इस बहू ने तो हमारे छोरे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कुछ दिन जी लेता पर इसके लक्षणों को, इसके ऐबों को देखकर रोज मर रहा हूं मैं तो। हर माँ बाप का यू ही सपना हो, अब उसके बच्चे जवान हो जा, उनका ब्याह हो जा, उनका घर बस जा, पर यहाँ तो बसा बसा घर उजड़े लग रहा है। पता नहीं जी हमने दुनिया का क्या बिगाड़ा है जो आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। भाभी कहाँ जा रही टिप टॉप होके? मारी छोरी को गए हुए पूरा 1 महीना हो लिया, पर ऐसे लगा है देखे उसे सालों बीत गई। सही कह रही है, वो बनना तो के चावे थी पर उसने यूं के कर दिया। मैं तुम पाप बेटों को समझा समझा के थक गई हूँ। मारी छोरी ऐसी ना है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मारी छोरी की सच्चाई जल्दी से जल्दी सबके सामने आवे। मन तो मेरा भी यूं ही कहवे कि मारी छोरी ऐसी ना है, पर सारे सबूत तो मेरी आंखों के सामने हैं। मैं जब घर से गई जब भी तू फोन में लग रही है, भाई अब भी फोन में लग रही है, 1 घंटा हो गया तुझे इसमें लगी भाई को। नू बता शीतल कहाँ? यही होगी कमरे में अंदर खड़ी हो, देख उसे। मैंने कहा धरते फोन ठाक नहीं तोड़ दूंगी इस फोन को। तू मैं घर में लाई दिखू कोई और ना दिखता, सारे दिन तू इसमें मढ़ी रहा, दिखा सौर को। चलो खड़ी सर ढूंढ कहाँ है। मम्मा का तो चलावे ही अपनी अपनी, यहाँ भी अपनी अपनी चलावे। Thank you.
बाहर तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे सारे में ढूंढ आई। चल खेतों पर चल रहे, जब से आई है जब से घर से बाहर ही ना निकलती। चल खड़ी हो। ना मैं ना जा रही, तू ही चली जा। मेरे नसीब में तो घर में बंद रहना ही लिखा है। ज्यादा होशियार मत बना, जब घर से बाहर निकलेगी जब ही तो दुनिया को पहचान लेगी। चल खड़ी हो। इधर गई है या इधर गई है? आज फिर गई है नई नवेली दुल्हन बनकर। आज इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आखिर ये जाती कहाँ है? आज तो मैं इसका पता लगा के रहूंगा। अरुण, अरे अर्जुन इधर को। के बात होगी? अरे एक बार आ तो सही। के बात होगी भाई? कीर्ति भाभी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, कीर्ति घर है। तू यह बात क्यों पूछ रहा है? पक्का घर पे है? हाँ पक्का घर पे है, मैं तेरा झूठ क्यों बोल लूंगा। ओहो तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं कीर्ति भाभी को 2 दिन से देख रहा हूँ, बट जरूर कहीं ना कहीं जावे है। चल जल्दी बैठ, हम पीछा करते हैं। अरे तू यहीं रोक, मेरी बात सुन। तने कोई और तो ना देख ली? अगर वह होती तो यहीं कहीं दिखाई देती। अरे यार वो भाभी थी। देख गांव में गलियां तो बहुत हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता एक ही है पक्का। वो अभी गांव से बाहर तो गई नहीं होगी। चल हम एक काम करते हैं, गांव के मेन रास्ते पर उसका इंतजार करते हैं। चल ठीक है। गाड़ी की सर्विस करानी पड़ेगी यार, और कुछ ना। अब तक तो यार आ जाना चाहिए था। अरे तुझे ऐसी लग रहा होगा, कीर्ति तो घर है। अरे ना यार, वो कीर्ति थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। चल कोई होगा तो इधर कोई आओगा। चल देखते हैं। वो बिचारी कीर्ति देख। ओए पीछे पीछे ना, पीछे ना, वो आदमी कौन है? चल चल जल्दी चल।
मैंने बहुत गलत किया, अपनी बहन को इतना गलत सोचा। कोई बात ना अर्जुन, तू शीतल से माफी मांग लिए, वो तुझे माफ कर देगी, फिर उसमें तेरी भी तो कोई गलती ना थी। कीर्ति ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए थे कि शीतल को हमें गलत समझना पड़ा। और ये तो वही लड़का था ना जिसकी फोटो शीतल की किताब में से निकली थी, मैं तो जानता हूँ यार कि शीतल कभी गलत हो ही नहीं सकती। चल तू अब दुखी मत हो। तकदीर ऐसे क्यों लिखी, क्या गुनाह किया है, तकदीर ऐसे क्यों लिखे, क्या गुनाह किया है, ऊपर वाले मुझे क्यों इतना दर्द दिया 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 है। रो रो के होया मेरा बुरा हाल से, तेरे ते मेरा एक ही सवाल से, सुख और चैन क्यों मेरा छीन लिया है, सुख और चैन क्यों मेरा छीन लिया है, ऊपर वाले मुझे क्यों इतना दर्द दिया है, ऊपर वाले मुझे क्यों इतना दर्द दिया है। मेरी जिंदगी में कभी भी खुशी आवेगी, अंधेरे की परछाई कब दूर जावेगी, आंसू बहाने पे मजबूर किया है, आंसू बहाने पे मजबूर किया है, ऊपर वाले मुझे क्यों इतना दर्द दिया है, ऊपर वाले मुझे क्यों इतना दर्द दिया है। अरे बेटा तू दुखी क्यों है और रो क्यों रहा, के बात हुई? माँ कीर्ति कहाँ? पता ना बेटा, वो जहां जावे हमें बता के थोड़ी जावे। और फिर तुझे बतावा तो तुम दोनों का झगड़ा हुआ है और इस झगड़े की जिम्मेदार वो हमें ही बतावे। ये अपने आशिक से? जुबान संभाल के बात कर। सच इतना कड़वा लग गया के? मुझे ना पता तू किस सच की बात कर रहा है। मुझे छोड़ना है तो ऐसे ही छोड़ दे, यूं बदनाम ना करे। और कितना झूठ बोलेगी, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख के आया हूँ कि रेस्टोरेंट में तू अपने आशिक के साथ क्या गुलछर्रे उड़ा रही थी। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? तुम सबको देख लूंगी, सबको। मैं भी पता बेटा, आखिर बात की है। माँ मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, जो अपराध शीतल ने करा भी ना है, मैंने उसे उसकी सजा दे दी।
जो फोटो शीतल की किताब में से निकला था ना, वो फोटो शीतल के आशिक का नहीं बल्कि कीर्ति के आशिक का था। मैं तो पहले ही कह रही थी हमारी शीतल ऐसी ना है, ये किसी की चाल है, पर तुम दोनों बाप बेटे मेरी मानो एक दो। जो बात तुम कह रहे हो क्या वो सच है? हाँ पिताजी बिल्कुल सच है। रे फिर तो महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया जिसकी कोई माफी भी नहीं है। चलो अब तुम सब आराम करो, सुबह बुआ के घर जाना शीतल को लेने और मैं भी चलूंगा। हेलो। हेलो रमेश। हाँ कीर्ति क्या बात है? अरे आज ही तो हम मिले थे, इतनी जल्दी याद आ गई क्या मेरी? याद के बच्चे, आज हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अरे ऐसा क्या हो गया? अभी तक तो सब ठीक था। रमेश जब हम रेस्टोरेंट में गए थे तो अर्जुन ने हमें देख लिया और हमारी सारी बातें सुन ली। उसे ये भी पता चल गया कि शीतल को भी हमने ही फंसाया था। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि हम रेस्टोरेंट में हैं। अरे उसने तुझे घर से निकलती हुई देख ली होगी। जब मैं घर से आई थी तो वो घर पे नहीं था, वो किसी काम की वजह से बाहर गया था शाम तक के लिए, और बुड्ढे बुढ़िया के पास फोन नहीं है जो उन्होंने बता दिया होगा। ओ फिर तो सारी दुनिया के सामने हमारा भंडा फूट जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, हमें कुछ करना होगा। अरे मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि अर्जुन पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा। हाँ तो बताना जल्दी। इसके लिए तुझे मरना होगा। क्या तू पागल हो गया है? अब तू अपने आप को बचाने के लिए मुझे मारेगा? अरे यार तुम्हें मारने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ मैं, तुम्हारी जगह हम किसी और को मार देंगे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे और सबको लगेगा इन्होंने अपनी बहू को मार दिया। अब तू एक काम कर, अपने पापा के पास फोन करके ये कह दे पापा ये मुझे मारने की धमकी दे रहे, मुझे बचा लो कहीं मुझे मार ना दे। उन्हें तो मैं कह दूंगी पर तू मेरी जगह मारेगा किसको? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, मैं ठीक 12 बजे पहुंच जाऊँ रात को। और सुन मेरे आने से पहले इन्हें नींद की गोली देकर सुला दिए। ठीक है चल तू अब फोन रख, मैं पापा के पास फोन कर देती हूँ। ठीक है मैं भी दूसरी लड़की का इंतजाम करता हूँ। हेडरो फोन किसको? हेलो हेलो पापा। हाँ बेटा कीर्ति की बात रो क्यों रही? पापा ये लोग मेरे साथ बहुत लड़ाई कर रहे हैं और मुझे बच्चलन कह के मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत, इन्हें बता दे नुको अपनी को सिंगवा लो, वह तो सिंगवाई नहीं जा रही तजे दे रहे अकल। पापा मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं ये मुझे रात को ही ना मार दे। उनकी इतनी हिम्मत, तू घबरावे ना, बता दिए उसे चूल्हे लोगी बिकवा देगा मेरा बापू नुको, इलाहाबाद तौर नहीं होने दे देना मत वो। ये तो रात हो रही तड़की दिन लिखने से पहला आलूमा, और तू खूब खुली घूम मंगर को जो कोई कुछ कह दे मैं देख लूंगा। ठीक है पापा पर जल्दी आना। यू कौन है? अरे छोड़ तो मैं भीतर कुंडी मार जल्दी। अब बताइए कौन है? यू एक बहुत लंबी कहानी है बता दूंगा सारी। तुम बता नींद की गोली दी थी तुमने? उन्हें तो मैंने सही संजय नींद की गोली देके सुला दिया था, वे ना उठे सुबह से पहले। जल्दी तरवाई से
तू एक काम कर, जल्दी अपने एक जोड़ी कपड़े लेकर आ और तेल ले जा। अब एक काम कर, घर में जो पैसा पड़ा वो उठा ले और जीव उठा ले और सामान पैक करके जल्दी आ। ठीक है, मैं सामान पैक करती हूँ, तू इसे जला दे, बाकी का काम सुबह मेरा बाप कर देगा। आ गया होगा सारू के सुबह, जिस बात का डर था वही करके मरने। इन्हें रात ही फोन करके कहा था बापू आजा नहीं थे मतलब मार देंगे। बिजली कर फोन बताऊंगे ना क्यों कर मारा गया मरना। बुला पुलिस को। कपर मर रहे हैं जैसा रहे हैं बेटे। चौधरी साहब हमने कुछ नहीं करा, पता ना हम इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए। सारी नींद कटवा दू मां, रो के दिखा रहा तू जा। अरे कीर्ति ने अपने आप को कद जड़ा लिया, हमें तो पता ही नहीं चला। हम बतवा देंगे। अरे करे ना पुलिस को कॉल। बस थोड़ी देर में पुलिस आती होगी, जब इनके पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे ना सब कुछ उगल देंगे। जी ये बैठे तीनों हत्यारे पकड़े ने। इंस्पेक्टर साहब हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हर गुनहगार गुनाह करके यही बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, सच उगलवाना हमें अच्छे से आता है। गिरफ्तार करो इन तीनों को। सर अर्जुन के पापा हैं। चलिए कहीं पिताजी को जेल में कुछ हो ना जाए, इससे अच्छा है मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता हूँ। चलो तीनों को लेकर चलो। इंस्पेक्टर साहब रुको, जो करा मन नहीं करा, मुझे ले चलो। इंस्पेक्टर साहब ये काम इन तीनों को लेकर जाइए। चलो तीनों को लेकर चलो। सर ये अर्जुन के पापा बहुत बीमार हैं,
और आप बीमार आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। छोड़ दो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी सच में बीमार है, इन्हें ही छोड़ दो। इनको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को लेके जाना। समर रखो, रे हमारा तो नाश हो गया। ओह, कितनी दर्द भरी कहानी है तुम्हारी। माँ बाप कितनी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनको जवान करते हैं, और उसके बाद जब ऐसी बहू आ जाती है तो पूरे परिवार का सत्यानाश कर देती है। अगर वो जिंदा होती तो मैं उससे पूछता कि जो उसकी कोख में बच्चा था, कि वो उसको कितना प्यारा था। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हो? उसको कोई बच्चा था ही नहीं। हमारी बहू को कोई बच्चा नहीं था। क्या तुम लोग सच बोल रहे हो? तो क्या उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है? कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके पेट में बच्चा था। इंस्पेक्टर साहब, उसको कोई बच्चा था ही नहीं। आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी झूठी नहीं हो सकती। आदमी झूठा हो सकता है? अच्छी तरह से याद कर ले एक बार। अब मैं चलता हूं, याद आ जाए तो बता देना मुझे। बेटा, क्या ये बात सच है? माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। रे हमारा तो नाश हो लिया। चाचा, मैं बुआ को फोन करता हूँ, तुम शांत हो जाओ। चाचा, बुआ की कैसे याद आ गई? अरे बुआ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे तुम मुझे डरावते है मत। अर्जुन और चाची को पुलिस ले गए, पकड़ गए। पुलिस क्यों? कीर्ति को जलाकर मारने के अपराध में। अरे क्या कह रहा तू, होश में तो है? बुआ, वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अर्जुन ने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया। और चाचा को तो उनकी बीमारी की वजह से पुलिस छोड़ के चली गई। उनका तो रो रो के बहुत बुरा हाल है बुआ। अरे जिन्होंने आज तक एक चिट्ठी ना मारी, वे कीर्ति को मार देंगे? अब शीतल और चाचा को तुम भी संभाल सकती हो बुआ, आ जाओ। बेटा तू चिंता मत कर, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे। चाचा शांत हो जाओ। आ रही है बुआ। रे यूं क्या होगा? साथ सब ठीक हो जाएगा चाचा, रो मत। शीतल बेटा, तू जल्दी कपड़े चेंज कर ले, हमें अभी घर चलना है, परिवार को बहुत बड़ी आफत आ गई। बुआ जल्दी चलो। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हो गया। भैया, ये सब कैसे हो गया? Yeah.
बहन राजवीरी, मारे तो घर को पता ना किसकी नजर लग गई। हमें तो उस गुनाह की सजा मिल रही जो हमने कभी करे ही ना। भैया राजवीर, संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। बेटी शीतल, हम तेरे भी गुनाहगार हैं। तेरे किताबों में जो फोटो मिला, हमें तो बाद में पता चली उतना कीर्ति के आशिक का फोटो था। बेटी हो सके तो हमें माफ कर दिए। पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? मेरे लिए तो यही काफी है कि आपको सारी सच्चाई का पता चल गया। अरुण बेटा, अब तो काफी रात होगी, सुबेरी कुंती से अर्जुन से हमें मिलवाई पे ले चलिए। ठीक है बुआ। कैसी है मेरी बहन? मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ कर दे। भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपको सारी सच्चाई का पता चल गया, मेरे लिए तो यही काफी है। ये लोग कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बुआ है और ये मेरी बहन, ये भी आपकी तरह पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी। मैं इसके सपनों के बीच आ गया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भैया बिल्कुल बेकसूर हैं, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ मैंने इनकी कहानी सुनी है, मुझे भी लगता है कि लोग बेकसूर हैं, पर अर्जुन ने तो सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया है ना, उसमें अब हम आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। हाँ अगर कोई सबूत मिल जाए तो हम आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, इन्हें बेगुनाह साबित कर सकते हैं। अब बहुत टाइम हो चुका है, आप मिलके इनसे जल्दी जाइए यहाँ से, इतना ज़्यादा टाइम आप रुक नहीं सकते इधर। हो सकता है हम दोनों कभी बाहर ना आए, तो अब अकेले रहने की आदत डाल ले और पिताजी का भी ध्यान रखना। अरे बेटा ये क्या कह रहा तू? अरे भगवान के घर देर अंधेर ना है, जब तन्ने कोई पाप करा ही ना तो सजा किस बात की काटेगा? देख जैसे शीतल की सच्चाई सबके सामने आ गई ना, एक दिन तेरी सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। तू घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए जी चलो, मुलाकात का टाइम पूरा हो गया, बाहर निकलिए चलिए चलिए। भैया अब हम जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना और बहुत जल्द आपको भी हम घर लेके जाएंगे। मेरे यार तू ठीक तो है ना? तू घबराना मत, हम बहुत जल्दी तुझे वापस लेके जाएंगे। तू अपना ख्याल रखना मेरे भाई। पिताजी लो आप दवाई लो, मैं आपकी और दवाइयों का इंतजाम करती हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, दवाई खा के मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया। बस बेटा अब तो अपना ख्याल रखना। पिताजी मैं भी अब अपना ख्याल रख के क्या करूँगी, मेरी भी अब जिंदगी में बचा ही क्या है? तुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है बेटा। पिताजी पहले आप अपनी दवाई खाओ।
अब खा भी लो। तूने रोटी खा ली? हाँ पिताजी मैंने रोटी खा ली, और मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, पहले आप दवाई खाओ। पिताजी आप लेटो, मैं ताई रामपति के यहाँ चावल लेके आती हूँ, फिर आपके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो शीतल, कैसी है तू? मैं कैसी हो सकती हूँ, जैसी भी हूँ फिलहाल ठीक हूँ। तू बता तू कैसी है? क्या तुमने सुना है, हमारी कॉलेज की सहेली ज्योति काफी दिनों से गायब है, कहीं मिल भी नहीं रही। काफी दिनों पहले उसको उसके बॉयफ्रेंड रमेश के साथ देखा था। लेकिन ज्योति के साथ तो उसका संबंध टूट गया था ना। वह दोबारा उससे मिल गई, और उसके बॉयफ्रेंड रमेश का किसी कीर्ति नाम की औरत से चक्कर चल रहा था। कीर्ति? कौन कीर्ति? क्या तुम कीर्ति को जानती हो? नहीं मैं नहीं जानती, मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन ज्योति ने बताया था मुझे कि कीर्ति नाम की कोई औरत है। क्या तुम कीर्ति और रमेश का फोटो मेरे पास भेज सकती हो? कीर्ति का तो मेरे पास कोई फोटो नहीं है, लेकिन ज्योति के बॉयफ्रेंड का फोटो है मेरे फोन में। क्या तुम उसका फोटो मेरे फोन में भेज सकती हो? ठीक है मैं भी भेज रही हूँ। ठीक है भेज दो। ओके। बारे में प्रिया ने मुझे अभी बताया, इसका किसी कीर्ति नाम की औरत के साथ चक्कर है। इसका मतलब ये औरत मेरी भाभी तो नहीं है, ये सब मेरी भाभी की ही चाल थी, जो मेरी किताबों में फोटो रखा और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब भी कहीं ना कहीं कोई चाल जरूर मिलेगी, मुझे इसका पता लगाना है, और ये लड़का रमेश मुझे ढूंढना है, शायद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आए। अरे हो गया टिफिन पैक? हाँ हो गया। अरे मैं सोच रहा अर्जुन सर माँ से मिलिया हूँ। तुम्हें ज्यादा ही शौक है क्या जेल में जाने का? मुझे क्यों होता ज्यादा शौक? शौक है तभी तो आप उनसे मिलने के लिए बोल रहे हो। आपको पता है ये कितना गहरा मामला है, अगर ये कीर्ति के पापा को पता चल गया ना कि हम इनके साथ हैं, तो वो हमें भी लपेट देंगे। कहते तो ठीक रही है। और हाँ एक बात सुन लो, इन बाप बेटी से रिश्ता रखने की जरूरत ना है, मैं तो ये चाहूँ कहीं बाहर किराए पे मकान ले लो और इनसे दूर ही रहेंगे। घर में इतनी बड़ी आफत आन पड़ी, इसे फिर भी अपनी लग रही है, इससे तो आके बात करूँगा। क्या सोच रहे हो? कुछ मिला ला टिपन दे मुझे ऑफिस जाना। तुम दोनों ठीक तो हो, कोई परेशानी तो नहीं है? चाचा परेशान नहीं, परेशानी तो तुम देख ही रहे हो हमारी, हम बहुत परेशान हैं। हाँ देख तो रहा हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं। हमारा तो घर ही बर्बाद हो गया, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे, पूरी दुनिया हम पे थू थू कर रही है। चाचा हम बिल्कुल बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं करा। पता है मुझे और पूरे गाँव वालों को पता है कि तुम दोनों बिल्कुल बेकसूर हो, उस बहू का तो मुझे पहले से पता था कैसी है, पूरा गांव जानता है कि वो तुम्हारा घर बसाने वाली नहीं थी। चाचा जी हमें यहाँ से जल्दी निकाल लो, वरना हम तो यहाँ घुट घुट के ही मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम दोनों को यहाँ से रिहा करवाने में। मैं कल ही पंचायत में लोगों को बुलाता हूँ और बहू के गाँव वालों को भी बुलाता हूँ। बल्ले बेटा ये उल्टा जमाना है, यहाँ दूसरों को मजा आता है दूसरे के घर को बर्बाद देखते हुए, पर मैं सबको दिखा दूंगा असलियत क्या है समाज की और घर परिवार की। मेरे दोस्त परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, तू सच्चा इंसान है और पूरा गांव तेरे साथ है, जल्दी तू इस जेल से भी बाहर आ जाएगा।
भैया तुम यहाँ? भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। माँ मैं पराया ना हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भैया मैं वकील से मिल गए, तुम्हें बहुत जल्दी बाहर निकलवाता हूँ। साहब जी लो भैया और माँ को खाना खिला देना। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। आज मेरी फ्रेंड प्रिया का फोन आया था। वो मुझसे कह रही थी कि मेरी फ्रेंड ज्योति कुछ दिनों से गायब है और उसके घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। शीतल तू पागल तो ना है? अपनी टेंशन तो यहाँ खत्म ना हो रही, तू दूसरों की लेकर बैठ गई। बुआ मैं अपनी परेशानी को लेकर ना बैठी, मैं तो ये कह रही हूँ कि जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है ना ये कहीं ना कहीं ज्योति संबंधित है। ये देखो बुआ। ये लल्ली तो उसी लड़के का फोटो है जो कीर्ति का आशिक था। हाँ पापा मैं भी तो आपसे यही कह रही हूँ, ये वही लड़का है जो कीर्ति और ज्योति का आशिक था। और जब से कीर्ति को जलाया गया था ना जब से ज्योति गायब है। शीतल मुझे तो बात आपस में कुछ उलझी हुई सी लग रही है। हमें कल सुबह जाकर पुलिस को सब बताना होगा, शायद अर्जुन और चाचू को बाहर निकालने का कोई रास्ता निकल आए। ठीक कह रहे हो भैया। बुआ आप पापा के पास रहना, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं अरुण भैया के साथ जाके पुलिस इंस्पेक्टर से मिलूंगी, शायद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो तुम टेंशन मत लो, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अब तक साथ दिया भगवान ने तो आगे भी साथ देगा। अब काफी रात हो गई, तुम सो जाओ, सुबह उठ के तुम्हें वहाँ भी जाना थाने में। ठीक कह रही हो बुआ, अब मैं चलता हूँ और कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, सो जा भैया, तू भी आराम कर ले, आ जा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ जी सर, मेरे हाथ कुछ सबूत लगे हैं, हो सकता है इन सबूत के कारण सारी सच्चाई बाहर आ जाए। दिखाओ क्या लगा तुम्हारे हाथ। ये देखिए। बट अब क्या होगा, अब तो कीर्ति रही ही नहीं। सर प्लीज एक बार आप मेरी बात को तो सुन लो। मैं ये कह रही हूँ इसी लड़के का अफेयर मेरे कॉलेज की फ्रेंड ज्योति के साथ भी था और जब से हमारे साथ ये घटना घटित हुई है तब से ये ज्योति गायब है। सर मुझे तो लगता है इन दोनों बातों का कोई तो संबंध है। सर अगर एक बार ये लड़का मिल जाए ना तो हो सकता है हमारी सारी समस्या एक मिनट में ही सॉल्व हो जाए। तुम शायद ठीक कह रही हो, अभी मैं इस लड़के को सर्च कराता हूँ, अपनी पूरी टीम लगा देता हूँ और इसको हम ढूंढ के ही रहेंगे, आप चिंता मत करो। सर ढूंढने में हम भी आपके साथ चलें। ठीक है आप लोग भी चलना। ठीक है सर। पंचायत एक मकसद के लिए इकट्ठा हुई है। इस पंचायत के बहुत मायने हैं। आज आपको बहुत कुछ बोलने को भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। लोगों की आंख खुली की खुली रह जाएंगी जब उनको यह पता चलेगा असल में हम अपने घर का कितना बड़ा नाश कर रहे हैं। और अब आते हैं मुद्दे पे जिसके लिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं। आप सब लोग अर्जुन को तो जानते ही हैं। अर्जुन और कुंती पर अपनी बहू को जलाकर मारने के जुर्म में पुलिस ने बंद कर दिया। भाई हम तो ये जानते हैं कि वो दोनों ने अपनी बहू को नहीं मारा, वो दोनों बेकसूर हैं। भाई आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि वो दोनों बेकसूर हैं? ये बात मैं भी जानता हूँ प्रधान जी, और मैं ये भी जानता हूँ कि वे दोनों माँ बेटा निर्दोष हैं। वे इतने सीधे और सच्चे आदमी इस गाँव के वे इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकते। उल्टा उस बहू ना कई बार मैंने देखा जी अपनी आंखों से, उसका और उसके बेटे का उस पूरे परिवार का जीना मतलब हराम कर दिया उन्होंने। वह जो बहू है ना
बहुत घटिया उसने उनके साथ सलूक करा है। क्यों उनके माथे पे लिख रहा वे माँ बेटा अशरीफ हैं? मुझे तो पक्का विश्वास है उन्होंने जड़ा का मारा उसे, उस बहू का जीना हराम कर रखा था उन्होंने। महेंद्र तेरे जैसे दो चार आदमी ना हर गांव में मिल ही जाएंगे, हमेशा लोगों का गुस्सा दिलाने के चक्कर में लगे रहते हो। अरे खुद तो बर्बाद होते ही हो और दूसरों को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। एक दिन ऐसा होगा कि तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। प्रधान जी भाषण तुमने बतेरा बैठिया दिया, कसर रह रही हो और दे लो। कोई मारी डबते बोल पड़ा तो उसे समझा दे ठेका ले रखा गया इनकी डबते, हम नहीं बुलाए थे कि भाषण सुनान खातर। ओम प्रकाश तूने हमेशा अपनी बेटी की सुनी, कभी उन माँ बेटे से नहीं पूछा, कभी लड़ाई झगड़े का कारण नहीं पूछा। तेरी बेटी ने तुझे फोन करके झूठी कहानी सुना दी और तूने वो सुन के घर आ गया और अपनी बेटी को लेके चला गया। अरे उन माँ बेटों से भी तो पूछता, जब उन माँ बेटे ने तुझे अपना दिल का हाल सुनाने की कोशिश की तो तूने क्या कहा कि बेटी रहना तो रहने चल मेरे साथ, मेरी बेटी ऐसी रहेगी। बल्कि तुझे प्यार से समझाना चाहिए था, हमेशा एक तरफा बात नहीं सुनते, दोनों तरफा की बात देखी जाती है, सच्चाई और झूठ का पता चलना चाहिए। लेकिन तूने एक तरफा बात सुनी, उन्हें प्यार से समझाता दोनों तरफ की बात सुनता, लेकिन तूने हमेशा अपनी बेटी का विश्वास किया, हमेशा उसकी बात मानी, उसने कुछ भी झूठी मूठी कहानी सुनाई और तू तुरंत घर आ जाया। इसमें सारी गलती मैं तेरी मानता हूं। प्रधान जी बड़ी सहेली सी कहती गलती तेरी छोरी ना दिखती, कीर्ति ने 20 बार कोशिश करी रैड ना हो पर ये माँ बेटा उसे जीन नहीं दे रहे, रोज मारन के नाम के चढ़े रहे थे। उसने बेचारी ने उस दिन रात को मुझे फोन करके कहा डर रही थी इतनी, रो के बता रही थी बापू आ जा नहीं थी मुझे रात को मार देंगे, और इन जालिमों ने उसी रात वह जड़ा के मार दी। हमने तो यह बात सोची मगर घर की राइड नहीं बैठ जाएगी, और आके देखा जुलम कर रखे और तू बात बता रहे हमें। अच्छा उस दिन क्यों ली इतना गंभीरता से बात, वैसे तो जरा जरा सी बात पर तू लड़के घर पहुंच जाया करा, उस दिन क्यों नहीं गया तू? मुझे पता था ये जालिम इतना बड़ा जुलम करेगा, बस चढ़ा के मार दी उन्होंने। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बेटी खुद मरी हो, हाँ मैं मानता हूँ कैसे भी बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बहू को जलाकर मार देते हैं दहेज के कारण, पर उन लोगों को सजा मिलती है और मिलनी चाहिए भी। कुछ सास ऐसी होती हैं जो अपनी बहू का जीना हराम कर देती है। प्रधान जी दहेज का मामला नहीं है, आप तो हमारे मामले को दबाना चाह रहे हो। मैं तुम्हारे मामले को दबा नहीं रहा हूँ बल्कि सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल की बहू है घर में जला जला सी बात पर अपने सास ससुर को मरने की धमकी दे देते हैं, और यहाँ तक के फांसी खा के या आग लगा कर खुद को मार भी लेती हैं, और उसके मायके वाले ये इल्जाम पूरा उसके ससुराल वाले पर लगा देते हैं। हर माँ बाप अपनी बेटी के गुण और अवगुण के बारे में सब जानते हैं, उन्हें पता होता है कि मेरी बेटी के अंदर कितने अवगुण हैं, लेकिन इस बात को जानबूझकर भी वो अपनी बेटी की बात को दबा के रखते हैं। प्रधान जी इस ज्ञान को जो तुम कहीं किसी टीवी चैनल पे बैठ के दे देते दो मानस बत्ती सुन लेते, उन माँ बेटों ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारे न्यानी साहब की नहीं कह सकते कुछ? न्याय तो तुझे तेरी यह बेटी देगी, इसी से मैं लेके आया हूँ। कीर्ति बेटा मेरी बहन तू जिंदा है, तूने तो हमें जीते जी मार दिया, पर वह कौन थी जिसकी लाश मिली थी? पता वो कौन थी, किसकी लाश मिली थी वो? ये तो कोई बहुत बड़ा गेम है। पता इन लोगों को वो क्या गेम है, वो मरने वाली कौन थी? वो कोई और थी। कोई और कौन थी? वो तो यही बताएगा। अबे ओ मजनू अब तू बता जल्दी से कि तुम दोनों ने मिलकर किसको मारा था, बता। कोई ना जी वो मेरी पुरानी दोस्त थी, दोस्त क्या मोहब्बत ही थी, अब प्यार प्यार में मेरा बच्चा ठहर गया उसके, अब उन्हें मेरे नाटक कर दिए। जब उस टाइम मुझे कीर्ति मिली थी हम दोनों आपस में प्यार करने लगे, हमारा प्यार इतना बढ़ गया हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन उसके पति को सब पता चल गया हमारे बारे में, फिर मैंने चाल खेल ली कि उन्हें पहले वाले को ठिकाने लगा दें और उसे इनके घर पर ले जा कर मार दें, लोग सोचेंगे बहू जला के मार दी उन्होंने, ये लंबे टंग जाएंगे और तो कीर्ति के अलबार मोज लिए। लेकिन इस शीतल ने सारी सच्चाई पता कर ली। शीतल बेटा तुम लाए इन लोगों को ढूंढ कर? शबाश बेटा ये तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। चाचा जी इस काम में मेरा इंस्पेक्टर साहब ने बहुत साथ दिया है, अगर हर ऑफिसर अपना पूरी ईमानदारी से काम करे
तो कभी किसी निर्दोष को सजा ना होगी। ठीक कह रही है बेटी तू, पर तूने भी अपना फर्ज पूरा निभाया। अब तो सच्चाई सबके सामने है, अर्जुन और कुंती चाची बेकसूर हैं। अब तो सजा इन दोनों को मिलनी चाहिए। देख लिया आप सब लोगों ने, जो औरत अपना घर नहीं बसा सकती वो किसी और का क्या बसाएगी। ओम प्रकाश, यही है तेरी बेटी, तुझे जिस पर पूरा भरोसा था। मैं उस बहू से पूछना चाहता हूँ, क्या तूने घटना वाले दिन अपने पिताजी को फोन किया था कि मेरे सास और मेरे पति मुझे मारना चाहते हैं, मुझे आके बचा लो? नहीं, मैंने ऐसा कोई फोन नहीं किया। झूठ बोल रही है। कह नहीं था मुझे फोन करके अब मुझे मार देंगे तड़की चला कि भरी पंचायत में मैं तो नसीहत करवा रही इनकी जमी। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इसे, गलती करी मैं जी बीच की नाइट काट देता। छोरिया तो उनकी बेइज्जती करवाने लग रही मेरी। ओम प्रकाश, आगे सच्चाई तेरे सामने। तूने हमेशा उन दोनों माँ बेटों का घर बर्बाद करने की कोशिश करी, तू आज भी झूठ बोल रहा। अगर तू सच्चाई का साथ देता तो आज ये नौबत ना आती। जितनी कसूरवार तेरी बेटी है ना, उतना ही कसूरवार तू भी है, तू भी सजा का हकदार है। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इन लोगों को, कर लो गिरफ्तार। चिंता ना करें प्रधान जी आप, शेर का वार और पुलिस की मार, आदमी अगर जिंदा बच गया ना तो दोबारा उनकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करता। चले ले जाओ ऐसी छोरी की, जी कहना दे परमात्मा, शक्ल नहीं देखनी चाहता मैं तेरी। तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। बहुत बहादुर है मेरे बेटे। वाह सीता, बहन हो तो तेरे जैसी, तेरे भाइयों को तुझ पर गर्व है। तू चिंता मत कर, तेरी माँ और तेरा भाई जल्दी घर वापस आ जाएंगे और तेरी जिंदगी को बनाने के लिए फिर से कोशिश करेंगे। अरुण, तू इस लड़की को लेकर घर जा, ठीक है? मैं आता हूँ। राजवीर सिंह, मैं प्रधान जी कहन का मुंह तो है नहीं, पर फिर भी कहनी पड़ रही क्योंकि समाज में मजे भी रहना है भाई। ये जो भी बात छोटी मोटी हो जा, छोरी के कहे थे एक तरफा ही चल देने थे, नुकसान हो जा जो करियो हो गया भाई। ध्यान रखियो, एक तरफा मत चलियो, दोनों की सुन लियो क्योंकि बर्बादी बाकी रह जा फिर, और बाकी जो गलती सलती हुई माफ करियो। मैं तो हर रोज भगवान से हाथ जोड़ के यू ही प्रार्थना करे कर रहा, अगर मेरे बिछड़े परिवार को मेरे धोरे ले आओ ना मैं मर जाऊँ। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं कुछ दिन और जी जाऊँ। भैया तो टेंशन ना ले, देख भगवान ने हमारा सारा परिवार एक जगह मिला दिया ना, मैं तो इस भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करूँ कि मेरे भैया का घर बिगड़ता है उसने फिर कैसे बसा दिया। तो भगवान मेरी तो यू ही अरदास है तेरे से, मेरे भैया को और दुख मत दे, मेरे भैया ने बहुत दुख देख लिए। मैं हाथ जोड़ रही तेरा आगे भगवान, बस अब कोई और इस घर में आफत ना आवे, सब सुख शांति रहे। माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं भैया, मैंने तुझे गलत समझा, मैं तेरी सजा का गुनहगार हूँ बहन, मुझे माफ कर दे। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, बुरा टाइम तो टल गया, अब भगवान ने चाहे सब काम अच्छे हो। चुप हो जाओ बेटा, रो मत।
शीतल चुप हो जा। तू ठीक है ना मेरे भाई? शीतल बहन अब तू चिंता मत कर, अब तेरा भाई आ गया है ना, हम दोनों मिलकर तेरी जिंदगी को बनाएंगे और तुझे इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि तुझे एक काबिल अफसर बनाएंगे। ये तो फिर एक साथ मिल गए, मैं तो सोच रही सारी उम्र जेल में ही रहेंगे और इनका घर बर्बाद हो जाएगा और इस घर पे हमारा कब्जा हो जाएगा और ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया और हमारी किस्मत में तो कुछ है ही नहीं। युवा तेरी किस्मत में, तेने मेरे भाई से अलग कर दिया, मेरे घर वालों से अलग कर दिया, माँ बाप से अलग कर दिया। माँ जी मुझे माफ कर दो। खड़े हो? तू क्यों मार रहा है इसे? घर के नाश का कारण यही है पिताजी, इसने हमारा घर तोड़ दिया, मेरे भाई बहन से दूर करवा दिया इसने। चुप हो जा, मत रो। तकदीर ऐसे क्यों लिखे, क्या गुनाह किया है? तकदीर ऐसे क्यों लिखे, क्या गुनाह किया है? ऊपर वाले मुझे क्यों इतना दर्द दिया है? ऊपर वाले मुझे क्यों इतना दर्द दिया है? ऊपर वाले मुझे क्यों इतना